हम अगले तीन दिन जो महाभारत के प्रमुख पात्र यानी कि वो इन दो पात्रों के कारण महाभारत बनता है कुंती और द्रौपदी कुंती जो स्थिरता का प्रतीक है उसके बारे में हम आज और कल आधा समझने का प्रयास करेंगे कुंती की जो प्रार्थनाएं है भागवतम में प्रथम स्कंद में इन प्रार्थनाओं को बड़े बड़े संतों ने भी उसकी स्तुति की है क्योंकि ये प्रार्थना केवल किसी अपने जो बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं है केवल शास्त्र अध्ययन का प्रदर्शन नहीं है परंतु उनका जो पूरा जीवन था जब किसी वस्तु या किसी भोजन के लिए कुछ रसोई बनानी होती है खीर बनाना हो या आजकल आम्रखंड लोग बनाते हैं तो उसके वजह बहुत कुछ लगता है हम आम्रखंड का खीर का आस्वादन तो कर लेते हैं। आनंद महसूस करते हैं लेकिन उसके पीछे जो प्रयास है उसको काफी बार भूल जाता है ये स्वाभाविक है कि किसी अनुभव को जब हम झेलते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है उसमें तल्लीनता आती है और जहाँ तल्लीनता है वहाँ ज्ञान का अभाव हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि आनंद के साथ में अगर कृतज्ञता नहीं हो तो आनंद स्वार्थ का बन जाता है हम अनुभव करते हैं, वाव, कितना अच्छा है लेकिन अगर उसके प्रया उसके विजय प्रयास नहीं देखेंगे तो कृतज्ञता नहीं आएगी तो कृतज्ञता को लाने के लिए कि कुंती के जीवन में क्या क्या हुआ केवल कष्ट नहीं कष्ट के दृष्टिकोण से केवल देखना नहीं है कु असाधारण रूप से कितने सारे कष्टों को झेलने की शक्ति रखती थी और उन कष्टों को दूर करने की क्षमता उसमें थी उसके क्षमता को भी हम देखने का प्रयास करेंगे जैसे हम देखते हैं जीवन को समझना और उसके अनुसार क्रियान्वित होना इसको कहा जाता है स्थिरता जीवन को समझना कि जीवन क्या है प्रश्न उठता ना कि ये सृष्टि किसके लिए बनी है मैं कौन हूं मेरा सृष्टि से क्या संबंध है मेरे जो संबंध है उनके साथ मेरा कितना तक संबंध है अलग अलग लोगों से क्या क्या संबंध है इस विज्ञान को समझना और उसके अनुसार क्रियान्वित होना स्थिरता का लक्षण है और एक जैसे रामायण में हम देखते हैं हनुमान जी में बुद्धि हनुमान जी में भक्ति और हनुमान जी में क्रिया करने की शक्ति ये तीनों साथ में होने के कारण वो भगवान राम के अत्यंत प्रिय और बहुत कुछ भगवान के लिए कर पाए यहाँ भाव बुद्धि और क्रिया ये सब समत्व में रहना यही स्थिरता का लक्षण है तो हम देखते हैं कुंती के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण के पहले हम जाते हैं जिस समय कुंती अपने पुत्रों के साथ उनको अग्नि में भस्म करने का प्रयास किया गया तो उसमें वहां बच करो, भाग रहे थे इधर उधर और उन्होंने क्या किया था कि कौरवों को लगा कि पांडव अपने माता के साथ मारे गए एक तो सोचो कि अपने इन बच्चों को मारना एक बात था लेकिन धृतराष्ट्र एक स्त्री को भी जो राजमाता थी उसके लिए भी मारने के लिए उन्होंने क्या किया एक कुतंत्र किया जलाने के लिए भस्म करने के लिए तो अगर उनको समझ में आता कि पांडव अभी भी जीवित है फिर से उनके ऊपर वो आक्रमण करने का प्रयास करते तो किसी को समझ में नहीं आया कि पांडव जीवित है इसलिए ब्राह्मण वेश धारण करते हुए वो इधर उधर भटक रहते और किसी घर पे आते हैं, एक ब्राह्मण के घर पे आते हैं एक चक्रपुरी नाम का गांव था जो यमुना के तट पर था उस गांव पे आते और वहाँ निवास करने लगते फिर एक दिन कुंती जब पांडव अपने भिक्षावृत्ति करने के लिए गए थे उस समय भीम उनके साथ में नहीं गया था तो कुंती भीम से बात करते कि देखो बेटा किस घर पे हम निवास कर रहे हैं उन्होंने हमारे साथ इतना उपकार किया हुआ है हमें उन्होंने पूरा कष्ट भुला दिया हमारे साथ में जितना भी अन्याय हुआ है उसको इतना प्रेम से उन्होंने हमें सब कुछ किया इसलिए हम उसको भूल गए अभी हमारा उत्तरदायित्व तो इस उपकार के प्रति प्रत्युपकार करना है कुछ तो करना है उनके लिए ये उसके मन में एक चिंता का कारण बन गया तो उसी समय क्या हुआ तो कुंती ने देखा कि उस घर में पति पत्नी पुत्र नन्ना सा बालक था वो और उनकी पुत्री वो चर्चा कर रहे थे बहुत बड़ा उनके ऊपर एक कठिन प्रसंग आ गया था क्योंकि बकासुर नामक राक्षस उस गांव में निवास करता था और वो क्या करता था कि हर रोज नहीं परंतु फिर भी अगर उसके राज्य में रहते हुए वो राजा नहीं था लेकिन वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था हुँ? तो इसने क्या कहा था कि मुझे अगर आपके राज्य में सुरक्षा चाहिए देखो एक्सटॉर्शन का कॉन्सेप्ट पहले से उन्होंने कहा अगर आपके राज्य में सुरक्षा चाहिए मुझे मैं जब ही चाहता हूं हर तो नहीं था तो 20 बैलगाड़ी चावल और दो भैंस और एक पुरुष या एक मनुष्य मुझे भोजन के लिए चाहिए तो सोचो उनके घर में उस समय आ गया था कि उनके घर से कोई व्यक्ति जाना चाहिए तो उनकी चर्चा इतनी सुंदर है भीम से कुंती बात करती है और उस चर्चा को सुनने के लिए वो एक जगह में बैठ जाते जहां उस परिवार के लोग समझते नहीं कि यहां बैठे हैं और चर्चा क्या चल रही है तो पुरुष अपने पत्नी से कहता है मैं कितने बार कहा तुझे इस गांव को छोड़कर हमें जाना चाहिए था परंतु तेरी आसक्ति के कारण तू कहने लगी कि मेरे माता पिता भी इधर है मेरे सब कुछ भी इधर ही है मैं जानता था कि ऐसा कुछ होगा देख अभी हमारी क्या हालत हो रही है फिर वो अपने पत्नी की स्तुति करने लगता है अर्धांगिनी का जो उसका उत्तरदायित्व है उसकी स्तुति करने लगता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण तो मुद्दा है कि किसी भी संबंध में केवल बुरा नहीं होता अच्छा भी होता है वो बुरे के बारे में समझाते हैं और उसके अच्छे गुणों की चर्चा करने लगते हैं कि पत्नी मतलब क्या होती है तो कहता कि देखो मुझे अभी मुझे ही जाना अच्छा अगर मैं चला जाऊं तो कम से कम आप रहोगे अपने बच्चों का देखभाल करेगी तो मैं चला जाता हूं उस ब्राह्मण के उस राक्षस के लिए भोजन बनकर फिर उनकी पत्नी कहती है कि देखो अगर आप चले जाओगे तो मेरे जीवन में क्या क्या कष्ट आ सकते हैं? वो कहती है अगर आप चले जाओगे तो मैं विधवा बन जाऊंगी और विधवा बन जाऊंगी तो उसका परिणाम क्या होगा कि लोग मेरे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे मुझे बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और कोई भी आकर हमारे बेटी के लिए कहेगा कि आपके बेटी के साथ हमारा विवाह करना है मैं उनके साथ वाद नहीं कर पाऊंगी उनके साथ विवाद नहीं कर पाऊंगी मैं उनको रोक नहीं पाऊंगी आप फिर से अपने गृहस्थाश्रम को बसा सकते हो मेरी पुत्री है और मेरा पुत्र है उनका देखभाल कर सकते हो इसलिए मैं जाना चाहे मुझे जाना चाहे उसके वहां अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तो उनकी पुत्री बोलने लगती है कितना सुंदर संवाद है उनकी पुत्री कहते कि देखो कि एक बेटी के लिए क्या है उसको तो अपने घर को त्यागना ही पड़ता है माता पिता को उसको त्यागना ही पड़ता है जब भी उसका विवाह हो जाता है उसको जाना ही पड़ता है अगर मुझे जाना ही है तो अब क्यों नहीं जाऊँ अभी मैं चली जाती हूँ मैं चली चली जाऊंगी वहां अपने आप को अर्पण कर दूंगी और वो कहने लगती है कि पुत्र या पुत्री इस शब्द का अर्थ ही है अपने माता पिता को संकट से दूर करना पुत्र शब्द का ये दोनों के लिए लागू है वो कहती है शब्द किससे संबंधित है इस समर्पण से संबंधित है संकटों से दूर करने से संबंधित है इसलिए पिताश्री मैं जाऊंगी और वो कहती कि देखो एक जो पुत्र होता है ना वो, वो अपने पिता का आत्मा होता है एक पत्नी होती है वो पति की सहेली होती है मित्र होती है और जो पुत्री होती है माता पिता के लिए संकट होती है दूसरों को नहीं कहना चाहिए वो खुद कह रही है शी टेलिंग इसलिए संकट से दूर बचाने के लिए मैं खुद जाती हूं क्योंकि अगर मैं चली जाऊंगी कम से कम आप अपने जो पुत्र है अपना जो नन्ना जो छोटा सा भाई है मेरा उसकी आप सुरक्षा कर सकते हो तो माता पिता बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है मैं आपको नहीं भेज सकते फिर जो छोटा सा बालक होता है एक बच्चे की चेतना क्या होनी चाहिए वो खड़ा होता है एक छोटा सा अपने हाथ में घास लेता है वो कहता है कि मैं सब राक्षसों को मार दूंगा सुरक्षा देना इसलिए हमारे संस्कृत में भाव बीज तो नो रक्षा पूर्णिमा मानने का उद्देश्य क्या है कि ऐसे बच्चों को जन्म दो छोटा भी हो उसके में इनमें संस्कार होना चाहिए कि मुझे मेरे बहन का मेरे माता का मेरा पिता के लिए मैं कुछ सुरक्षा ढूंढूं वो छोटा सा बालक होता है बोलता है कि मैं उसको मारूंगा उसकी भावना कितनी अच्छी है हाँ उसमें शक्ति नहीं है वो तो तुकुंते सब कुछ सुनती है फिर उस ब्राह्मण के पास आती है वो कहती है कि आपके संकट क्या है क्या हुआ है तो कुंती से वो ब्राह्मण कहता है कि ऐसा ऐसा संकट है और ये संकट हमारे पे आया हुआ है ये मनुष्य इसको नहीं छुड़ा सकता ये हमारे परे है जैसे हम लोग काफी बार चर्चा करते हैं मनुष्य के जीवन में जब संकट आता है ना उसको लगता है कि इसको केवल भगवान ही छुड़ाना चाहिए अपने संकट को इतना बड़ा बना देता है इतना बड़ा दे, बना देता है कि वो भगवान के ऊपर उसको भोजा डालने लगता है वो ये नहीं सोचता कि मुझे भी प्रयास करना चाहिए उसको लगता है कि मेरा संकट इतना बड़ा है इसलिए जब भी कभी लोग अपने संकटों की चर्चा करते कहते कि ऐसा कभी किसके साथ हुआ ही नहीं होगा क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना संकट सबसे बड़ा होता है तो जब कुंती ऐसा कहती है कि मनुष्य के वो ब्राह्मण कहते कि मनुष्य के परे है इसको मनुष्य नहीं छुड़ा सकते है तो कुंती कहती कि देखो मैं जानती हूं कि आपके घर में ऐसा संकट आया हुआ है आपके तो एक ही बेटी है और एक ही बेटा है मेरे तो पांच है तो इसलिए मैं मेरे एक पुत्र को वहां भेज देती हूं वो जाकर और राक्षस को अन्नबिन्न खिलाएगा तो वो ब्राह्मण कहता है ये असंभव है आप मेरे घर पर आए हो आप पहले तो एक विप्र परिवार के हो, ब्राह्मण परिवार के हो और दूसरा मेरे 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 हो, और आप मेरे और मेरे ही परिवार के के होने नाते, ब्राह्मण होने के नाते ना आपको मैं इस प्रकार के संकट में डालना यह ब्रह्म हत्या का पातक मुझे स्वीकार करना होगा मैं ब्रह्म हत्यारी बन जाऊंगा इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को मैं आत्महत्या कर दो आत्महत्या ये ब्रह्म हत्या से अच्छा है मैं मेरे प्राणों को छोड़ देता हूं लेकिन मैं होने नहीं दूंगा यानी कि उतने भी संकट में उसको अपने धर्म की जानकारी थी ज्ञान था धर्म के बारे में तो नहीं होने दें तो तब कुंती क्या कहते है? कि देखो मैं जानती हूं कि आपके कितने भी बच्चे क्यों ना हो कुंती के अगर मुझे सौ भी पुत्र हुआ करते फिर भी पुत्र विरह में मैं रोती थी लेकिन मेरा जो बेटा है ना वो साधारण नहीं है मैं वहां केवल वहां भेजना नहीं चाहते मेरे पुत्र को मेरा पुत्र जब जाएगा उस राक्षस को निश्चित रूप से मारेगा उसमें पराक्रम है उसमें मंत्र शक्ति है और उसमें बल भी है इसलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तो कुंती में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी लेकिन उस ममता ने अपने पुत्रों के क्षमता के प्रति भी क्षति नहीं पहुंचाया। हम देखते आज के जमाने में लोग अपने बच्चों को केवल भौतिक दृष्टि से सुरक्षित रखना चाहते हैं उनके हाथ में मोबाइल देते हैं उनके कार में अच्छा ड्राइवर रखते हैं फर्स्ट क्लास पास देते हैं, इतनी सुरक्षा देते इतनी सुरक्षा देते हैं, उस सुरक्षा क्या कर देता है बच्चों की क्षमता को मार देता है वो पराक्रमी बनने के बदले में क्या बन जाते वो शक्तिहीन बन जाते मानसिक स्तर पर बुद्धि के स्तर पर सामाजिक स्तर पर आध्यात्मिक स्तर पर वो सुरक्षा देते ही नहीं है इसलिए अमेरिका जो इतना शक्तिशाली देश है इतनी सुरक्षा है यानी कि वहां एयरपोर्ट में किसी कंपनी में एक्सीडेंट कभी होते नहीं है परंतु आप जानते हो कि 12 प्रतिशत वहां की जनसंख्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्यों ऐसा है क्योंकि केवल भौतिक शारीरिक सुरक्षा देते हुए उनको संघर्ष के साथ झेलने की एक कला है उसको न देने के कारण उनका जीवन क्या हो जाता है अगर कुछ अचानक उनके जीवन में कुछ हो गया उसको झेलने की शक्ति नहीं आती तो कुंती ने ऐसा अपने बच्चों को प्रशिक्षण नहीं दिया था वो संघर्ष में जीवन जीने के कारण पराक्रमी थे, आने वाले संकट को केवल झेलने की शक्ति नहीं केवल कोई कहता ना अरे इसको टॉलरेट करो सहन करने की सीमा होती है सुलझाना होता है केवल सहन करने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसको सुलझाना होता है तो उन्होंने कहा आप उसकी चिंता मत करो परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे पुत्र जब भी जाएंगे इस रहस्य को आप किसी को भी अपने गांव में मत बताना इसको गुप्त रखना तो ब्राह्मण जब कुंती उनको आश्वासन देती है कि मेरे पुत्रों को कोई मार नहीं सकता तो विवशता के कारण कुंती का जो तंत्र उससे ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण वो तैयार हो जाते तो भीम तो उनको खाना पहले से अच्छा ही लगता था तो जब कुंती अपने बच्चों को खिलाती थी वो क्या करती थी भिक्षा में दो भाग करती थी और एक बार भीम को खिलाती थी और बाकी जो भाग है उसको पांच भाग में विभाजित करते हुए अपने बच्चों को बांटती थी तो प्रश्न उठता ना ये तो बहुत ही ये समानता के विरुद्ध है सोशलिज्म के विरुद्ध है सोशलिज्म क्या कहता है कि सबको समानता से सब कुछ दो अरे जिसकी क्षमता एक रोटी की उसको चार देकर क्या फायदा हो तो फेंक देगा और जिसकी क्षमता सात रोटी की है उतना काम भी करता है उसको तीन देने से काम नहीं होगा तो समता किसके ऊपर आधारित होता है समता वस्तु के ऊपर आधारित नहीं होता समता परिणाम के ऊपर आधारित होता है वो तो क्रिया के ऊपर आधारित नहीं होता उसके परिणाम के ऊपर आधारित होता है इसलिए कुंती इसको जानती थी कितना किसको देना चाहिए तो भीम को कहा देख भीम तुमने सुन लिया भीमला में जा रहा हूं तो उस समय युधिष्ठिर महाराज वहां आते जब युधिष्ठिर महाराज आते हैं जब उनको समझ में आता कि कुंती ने अपने पुत्र को भीम को इतने बड़े यानी कि खतरनाक अवस्था में डाल रही है उसको एक राक्षस के पास भेज रही है जो हमेशा जो भी वहां से गया हुआ है वो भैंस को भी खाता है वो बीस बैलगाड़ी भी खा लेता है चावल और जो उस खाने को लेकर गया हुआ है उस व्यक्ति को खा लेता है कोई वापस नहीं आता तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अपने माता से माता आपने ऐसा कैसे किया भीम तो हमारा मूलधन के समान है उसी के ऊपर भरोसा रखते हुए हम आगे जाकर कौरों के साथ युद्ध छेड़ने वाले हैं अगर आपने उनको ऐसे अवस्था में डाल दिया तो हमारा क्या होगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने ही बच्चों को अपने ही पुत्रों को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देना यह नीति इसके विरुद्ध है आपको नहीं ऐसा करना चाहिए था तो जब कुंती को इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बोलते तब कुंती कहते कि देखो पुत्र क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूछते हो सकता है कि आप व्यवस्था के कारण मोह के कारण भ्रमित होने के कारण आपने अपने पुत्र के साथ ऐसा किया होगा तब क्या कहते कुंती कहते कि बेटा ऐसा नहीं है मैंने न तो अज्ञान के कारण न मोह के कारण न लोभ के कारण न विवशता के कारण भीम को वहां भेज रही हूं जो मैंने निर्णय लिया हुआ है वो निर्णय केवल बुद्धि के द्वारा लिया हुआ है मैं उसके क्षमता को जानती हूं मैं उसको प्रेम भी करती हूँ लेकिन मैं उसके क्षमता को जानती हूँ ये जो ब्राह्मण था ना जब वो कुंती से बात कर रहा था वो बकासुर के बारे में बता रहा था उस समय वो कहता है कि हमारे देश का राजा है लेकिन कुछ काम का नहीं है इतना दुर्बल राजा है वो कुछ नहीं कर सकता इसलिए गलती उस राजा की नहीं है गलती हमारी है और वो कहता है कि नीति ने कहा है अगर किसी को किसी देश में निवास करना है तो पहले क्या देखना चाहिए वो कहता है राजा को देखना चाहिए पहले शक्तिशाली राजा है कि नहीं समर्थवान राजा है कि नहीं वहाँ का प्रशासन अच्छा है कि नहीं उसी गांव में उसी राज्य में हमें बसना चाहिए नीति को कोट करता है मैंने ऐसा नहीं किया और दूसरा कहता है कि अगर राजा सही हो उसके बाद में विवाह के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अगर राजा सक्षम नहीं है तो विवाह करने के बाद भी क्या होगा आपका परिवार नहीं चलेगा राजा शक्तिशाली फिर उसके बाद में विवाह करना चाहिए फिर उसके बाद में धन कमाने के लिए सोचना चाहिए क्योंकि कमाए हुआ धन अगर राज्य खराब हो आप कमाओगे दूसरे लोग उसको लेकर चले जाएंगे बहुत कुछ उसमें हम देखते एक अध्याय में इस संवाद में इतना कुछ लिखा हुआ है तो कुंती कहते पुत्र नहीं मैंने मोह से नहीं किया है भावना में आकर मैंने इस निर्णय को नहीं लिया हुआ है मैं बुद्धि से निर्णय ली निर्णय प्रायश संकट के समय या कुछ भावनाओं में उथल पुथल हो जाता है जब संबंध बिगड़ जाते हैं संबंध में एक्साइटमेंट आता है तब क्या करते लोग लोग निर्णय भावनात्मक होकर करते हैं बुद्धि का उपयोग नहीं करते पिछले अनुभवों के बारे में चर्चा नहीं करते ऐसे कुछ भी बोल देते जैसे दशरथ महाराज ने कई कई को कहा जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा जो निर्धन है उसको मैं धनवान बनाऊंगा और जो दरिद्र है उसको मैं धनिक बनाऊंगा और जिसको मृत्यु दंड देना है उसको मैं छोड़ दूंगा और जिसको भी तू चाहती हो रस्ते में किसी को भी पकड़ो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा बताओ कई कई तुझे क्या चाहिए मैं तुझे कुछ भी देने के लिए तैयार हूं ये कोई फिल्मी डायलॉग ही लगता ना ये है क्योंकि यहां दशरथ महाराज ने क्या नहीं किया दशरथ महाराज ने सोचा नहीं आश्वासन देने के पहले अपने पात्रता को समझना चाहिए अपने क्षमता को समझना चाहिए तो कुंती ने युधिष्ठिर को कहा बेटा मैंने कोई मोह से उत्तरदायित्व नहीं लिया न तो मैंने इसको इसीलिए निर्णय लिया क्योंकि मैं व्यवस्था में मैं जानती हूं उसके क्षमता को फिर वो कथाएं सुनाती है कि किस प्रकार से उन्हें हिड़म राक्षस को मारा था कैसे अग्नि में उन सबको बचाया था कैसे अग्नि में बचाए नहीं सबको बाहर निकला वहां से निकाल दिया धर्म इसलिए मैं जानता हूँ मैं जानती हूँ कि भीम की क्षमता इतनी है वो निश्चित रूप से उस राक्षस को मारकर ही आएगा तो युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके माता के निर्णय में वो केवल भावनात्मक नहीं था तो ये कुंती का पात्र है ना धैर्य हमारे तथाकथित जो समाज सुधारक वो क्या देखिए भारतीय इतिहास में भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को बहुत दुर्बल बताया गया है कुछ निर्णय नहीं ले पाती है जब मॉडर्न एजुकेशन अगर आपको आधुनिक शिक्षण मिलेगा तब आपको निर्णय लेने की क्षमता आती है तब ज्यादा शक्तिशाली बन जाते अरे कभी पढ़े नहीं इसको कुंती की क्षमता देखो निर्णय ले रही है वहां भाग ले रही है और अपने पुत्र को भेज रही है डरती नहीं है क्योंकि वो जानते कि मेरा पुत्र में पराक्रम है आजकल माता पिता प्रेम के नाम से सुरक्षा के नाम से कहाँ अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते फिर वो बाद में आगे जाकर गलत जगह पे जाने लगते हैं जहाँ उनको जाना नहीं चाहिए अगर अनुभव नहीं दिया सही चीज बनाने के लिए उनको अनुभव नहीं दिया तो क्या हुआ उनको संकट को झेलने की क्षमता कभी आएगी नहीं तो भीम के साथ में था भीम जाते है और जब भीम उसको देखते उस राक्षस को वो राक्षस केवल फुकट का खा खा कर इतना मोटा हो गया था हा? उसको खाते समय वो गुस्सा हो जाता है कि मेरे सामने आकर तू खा रहा है वो पीछे से भीम को मारने लगता है भीम फिर भी खाने लगता है देखो अगर कोई प्रतिस्पर्धी है तो क्या करोगे उसके आवाज से खड़े हो जाओगे तैयार हो जाओगे तत्पर हो जाओगे उसके साथ चुनौती स्वीकार करने के लिए सतर्क हो जाओगे भीम बैठे रहे खाते रहे पूरा खाने के बाद उसमें से घास भी उसको दिया नहीं एवरी मॉर्सल वो भीम के मुख में चला गया भैंस को नहीं खाया और बकासुर को नहीं खाया केवल उन्होंने क्या किया शाकाहारी अन्न को सेवन किया और उसके बाद में लड़ने के बारे में ज्यादा कुछ व्यासदेव जी लिखते नहीं क्योंकि लड़ने के लिए उसमें कुछ था ही नहीं दुर्योधन के साथ लड़ने में दुर्योधन में शक्ति थी दुर्योधन में कला थी और दुर्योधन काफी साल से प्रयास भी कर रहा था और उसको मारते ही उसके बाकी अन्य राक्षसगण वहां से भाग गए किसी एक आचार्य ने तात्पर्य लिखा है तो भीम ने आकर गांव के लोगों को कहा बाद में उन्होंने नहीं कहा कि मैंने किया करके ऐसे बीच में आकर कहने लगे अरे आपको क्या करना चाहिए आपको प्रयास करना चाहिए परिश्रम करना चाहिए ताकि आपका गांव संभालने में आप में ही शक्ति रहे बाहर से कोई सुरक्षा करने के लिए बार बार नहीं आएंगे ये इतना सुंदर कहानी है कुंती के जीवन में हुआ और दूसरा जब कुंती हस्तिनापुर में निवास कर रही थी पांडव सब बारह साल वन में और एक साल अज्ञातवास के लिए गए थे वहां निवास कर रही थी क्यों निवास कर रही थी अपने बच्चों को याद दिलाने के लिए स्मरण कराने के लिए कि आपको वापस आना पड़ेगा ये जंगल जाने पर हो सकता है कि वो सन्यासी बन जाएंगे जंगल अच्छा लगेगा तो विदुर के घर पे वो निवास करती थी यहाँ इनको भी स्मरण देना के लिए दिलाने के लिए आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है और अपने बच्चों को स्मरण दिलाने के लिए कि आपको पराक्रम करना चाहिए जब कृष्ण जब शांति दूध बनकर आते हैं हस्तिनापुर तो क्या होता है वो शांति दूध के प्रस्ताव विफल हो जाता है यानी कि भगवान इतना प्रयास करने पर भी ऐसा नहीं कि नेगोशिएशन में हमारी हमेशा जीत होती है कि सामने वाला भी स्वीकार करना चाहिए सामने वाले को स्वतंत्रता है दुर्योधन ने कह दिया कि मैं पाँच पाँच गांव भी नहीं दूंगा मैं इतना भी जगह नहीं दूंगा जितना सुई के लिए जो लगता है ना उतना भी जगह नहीं दूंगा तो फेल हो गया तो भगवान सोचे चलो मैं कुंती को मिलकर जाता हूँ तो अपने जो बुआ थी ना उसको मिलने आते फिर मिलते हैं जब कुंती उनको गले लगाती है और रोती है बहुत अपने कष्ट को अपने संकष्ट को भगवान के सामने बोलती है ये नहीं कहते कि तुम इसको सुलझाओ वो तो अपने कष्टों को बताने लगती है कि मेरा जीवन क्या है और कष्ट सुला उनको बताने के बाद और अपने पुत्र को संदेश देती है युधिष्ठिर को वो कहते कि देखो कृष्ण मेरे पुत्र को युधिष्ठिर को संदेश दो वो क्षत्रिय होने के नाते शांति धर्म की उनको चर्चा नहीं करनी चाहिए उनको तो युद्ध धर्म की चर्चा करनी चाहिए हमारे पूर्वजों ने दूसरों को रक्षा देने हेतु तो हमेशा युद्ध से कभी पीछे हटे नहीं है आप किसी भी हमारे कुल के व्यक्ति को देखोगे पीछे नहीं हटे हुए हैं, इनके मन में शांति की कामनाएं बहुत होती है लेकिन क्षत्रिय होने के नाते दूसरों की सुरक्षा करना ये उनका उत्तरदायित्व है इसलिए मेरे पुत्र को कृपया समझाइएगा आप अब उन्हें अवसर मिला हुआ है अपने धर्म की पालन करने हेतु और कुंती क्या करती है एक कहानी सुनाती है अपने पुत्र को कृष्ण के द्वारा वो कहती है कि गांव में विदुला नाम की एक स्त्री थी छत्राणी थी वो विधवा थी उसका पति युद्ध में मारा गया था और उसका पुत्र एक युद्ध में परास्त होकर अपने घर वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद उसको लगता है कि अभी मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करेगी सुरक्षा देगी और माँ के यहाँ वो बैठ जाता है तो वो क्षत्राणी मां कहते अपने पुत्र को तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता अगर आप इस प्रकार से नपुंसक होकर यहां मेरे साथ में रहना चाहते हो इससे अच्छा कि आपका जन्म ही नहीं हुआ था वो कहती है कि देखो बेटा कि तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें फिर से खड़ा होना चाहिए कहते कि जो लकड़ी होती है ना अगर दो घड़ी के लिए प्रज्वलित आग्नि देगी वो जीवन अच्छा है उसके बदले में हमेशा उसमें से दूर निकलेगा आपको वीर मरण प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए जो वीर होता है वो एक ही बार मरता है लेकिन जो वीर नहीं है जो डरपोक है वो जीवन के हर क्षण में मरता रहता है अगर आप ऐसे डरपोक नपुंसक बन गए हो मुझे लगता है कि आपने मेरे कुक से मेरे गर्भ से जन्म ही नहीं लिया है तो बेटा बोलता है, मां तुम्हारा हृदय कितना कठोर है आप मुझे युद्ध भूमि में भेज रहे हो अगर मैं मर गया तो क्या होगा आपको क्या सुख मिलेगा अगर मैं मरने से आपको क्या सुख मिलेगा न तो आप अपने गहने को पहन पाओगी अपने सुख को भोग पाओगी आप ऐसा कैसे सोच सकती है आपको तो मेरे भले के बारे में हित के बारे में सोचना चाहिए तो उसकी माँ कहती है बहुत अच्छा आप मेरे आप आपके हित के बारे में माँ को सोचना चाहिए ऐसा बोल रही हो मैं आपके हित के बारे में सोच रहे बेटा अगर आप अपने हित को नहीं समझोगे और युद्ध क्षेत्र में नहीं जाओगे वो कहते दे कि देखो जो समाधानी होता है ना जो समाधानी होता है और जो गलत प्रकार से दया दिखाता है और जो डरपोक है और जो क्रियाहीन है उसकी प्रगति कभी नहीं होती है जो डरपोक है जो क्रियाहीन है और गलत लोगों के प्रति दया का प्रदर्शन करता है ऐसे लोगों की क्षमता बढ़ती नहीं है उनकी प्रगति नहीं होती है इसलिए पुत्र आपको निश्चित रूप से युद्ध के लिए जाना ही होगा युद्ध में अगर आप चले भी जाओगे तो उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप हमारे परंपरा का पालन कर रहे हो कुंती युधिष्ठिर महाराज को ये भी कहती है एक बार कुबेर ने मुचकुंद को जो दशम स्कंद मुचकी मुचकुंद की कहानी आती है ना उसको उन्होंने कहा था तुम्हारा राज्य मैं वापस दे रहा हूँ तो मुचकुंद ने कहा मुझे ऐसा नहीं चाहिए मैं मेरे पराक्रम से इस राज्य को जीतूंगा मैं ऐसा ही उसको प्राप्त नहीं करूँगा तो कुंती सब कहानी सुनाती है वो विपुला अपने बच्चों को समझाती है बच्चा समझ जाता है और कहता है कि मैं युद्ध में जाऊँगा और उसमें और एक कहती है क्यों युद्ध करना चाहिए क्योंकि जिस राजा ने हमारे राज्य को हरण कर लिया है अभी इतना दुर्बल बन गया वो इसलिए आपको पूरा अवकाश है उसको परास्त करने के लिए यहाँ वो स्त्री केवल भावनात्मक क्षत्रिय नहीं थी वो जानती थी क्या हो रहा है जब वाली के साथ सुग्रीव बार बार चुनौती देने के लिए आता ना एक बार आया तो सुग्रीव उसको सुग्रीव बहुत मार खा लेता है तो दूसरी बार आता है तो जब वाली बाहर निकलता है तब उसकी पत्नी कहती यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जो अब भी अभी मार खा कर गया है और फिर से आपको चुनौती देने के लिए आ रहा है इसका अर्थ क्या है उसके पीछे कोई तो ऐसी शक्ति है उसको उत्साह दे रही है उसको प्रोत्साहन दे रही है और वो कहते मैंने सुना है दशरथ पुत्र राघव यहां इस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की है देखो जो वाली नहीं जानता था वो उसकी पत्नी रानी होकर जानती थी लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ वाली ने अपने पत्नी के बात को नहीं मानी इसलिए उसको मृत्यु स्वीकार करना पड़ा कॉमन सेंस को उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो यहां उस स्त्री ने कहा ये बच्चा जो डरपोक था जो वापस नहीं जाना चाहता था, था वो युद्ध के लिए गया और युद्ध में जीता और वापस आ गया तो कुंती अपने पुत्र को फिर भीम के बारे में कहती है फिर अर्जुन को संदेश देती है फिर नकुल सहदेव को संदेश देती है फिर द्रौपदी को संदेश देती है कि द्रौपदी जिस प्रकार से आपने जीवन जिया है वो योग्य ही है कितने संकष्ट को आपने सहन किया है फिर वो कृष्ण से बोलकर रोने लगती है कि कृष्ण मुझे धन का नष्ट होने से इतना दुख नहीं है मेरे पुत्रों का राज्य नष्ट होने से मुझे इतना दुख है दुख नहीं है परंतु जब मैं स्मरण करती हूँ वो जो अबला द्रौपदी थी उनको सबके सामने सबके सामने लोग क्या कर रहे थे उसकी निंदा कर रहे थे उसकी अवहेलना कर रहे थे गलत शब्दों का उपयोग कर रहे थे ये जो कान में मुझे हमेशा कठोरता के रूप में बार बार आता है इसको मैं सहन कभी कर नहीं पाई देखो इसलिए जो सहनशीलता की भी सीमा होती है जो अन्याय को सहन कर लेता है फिर आगे वही चीज करने के लिए वो लोगों को बाध्य कर देता है अगर कोई किसी के साथ शोषण कर रहा है अगर कोई किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है हम कहते हैं कि इसको तुम सहन कर लो उसको कहना कि सहन करो इसका अर्थ क्या है कि आप पा, आप पा, आप नपुंसक बन जाओ और दूसरे वाले जो कर रहे वो करते रहेंगे इसलिए कुंती अपने बच्चों को भगवान के प्रति प्रेम के साथ उनको अपने प्रति विश्वास प्राप्त करने के लिए भी एक पाठ पढ़ाया इसलिए जब अर्जुन कृष्ण ने अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम्हें मैं चाहिए या मेरी सेना चाहिए तो अर्जुन ने क्या कहा मुझे आप चाहिए कृष्ण को क्यों अर्जुन ने स्वीकार किया कृष्ण को उपयोग कराने के लिए नहीं आप मेरे ओर से युद्ध करोगे और मैं देखता रहूंगा आप क्या युद्ध करोगे नहीं अर्जुन एक दृष्टि से कहता है भगवान से कृष्ण मुझे मेरे सामर्थ्य में विश्वास है और आपके प्रति श्रद्धा है अपने सामर्थ्य के प्रति विश्वास होना चाहिए इसलिए वो विदुला स्त्री अपने पुत्रों को कहती है सकारात्मक भाव लेकर जाओ मेरे पुत्र आप ये सोचकर जाओ कि मैं इस युद्ध में जीत कर ही आऊंगा आजकल परीक्षा जाते समय चिंता विवाह करने के पहले चिंता क्या होगा पता नहीं गलत हो गया तो, तो गलत निश्चित रूप से हो जाता है क्योंकि आपकी संकल्पना क्या है नकारात्मक संकल्पना यहां कुंती उस कथा के द्वारा अपने पुत्रों को बता रही है कि आपकी संकल्पना अगर सकारात्मक हो तो उसका परिणाम क्या होगा उसका परिणाम प्रायश वो सकारात्मक ही रहेगा इसलिए अर्जुन ने कहा कृष्ण से कृष्ण मैं मेरे सामर्थ्य के प्रति विश्वास रखता हूं और आपके प्रति मेरी श्रद्धा है मेरा प्रयास होगा और आपका प्रसाद होगा केवल प्रसाद के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा हम भगवान के ऊपर बोझा बन जाते हैं हमें भगवान के ऊपर बोझा नहीं बनना है शुद्ध भक्ति ये केवल काव्य नहीं है शुद्ध भक्ति क्या है क्यों भक्त अपने भगवान के ऊपर एक बोझा नहीं बनता तभी बोझा नहीं बनता जब उसके पास अपने आपको संभालने की शक्ति होती है जब अगर उसको अपने आप को संभालने की शक्ति नहीं होगी हर चीज के पीछे अगर उसके जीवन में संकट है तो विवशता के कारण हर चीज को कहेगा कि भगवान इसको सॉल्व करो इसको आपको सॉल्व करना है इसको ये आपको सॉल्व करना है हर चीज़ को मेडिकल सीट नहीं मिला इसलिए भगवान आपको सॉल्व करो परीक्षा का रिजल्ट आपने पढ़ाई पचास प्रतिशत किया हुआ है लेकिन आप सोच रहे कि मुझे मेडिकल में सीट चाहिए क्योंकि मैं मंदिर जाता हूँ हर रविवार को मंदिर आने का लाभ आपको मिलेगा लेकिन मंदिर आने का लाभ आपके परीक्षा के रिजल्ट में कोई हेर फेर नहीं करेगा हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि अगर आपने पचास प्रतिशत ही लिखा हुआ है आपको प्रायश पचास प्रतिशत ही मार्क मिलेगा यह हमें समझना चाहिए तो कुंती इसको जानती थी अर्जुन इसको जानते थे वो भगवान के प्रति बोझा नहीं बन जाते थे लेकिन भगवान अपने प्रेम के कारण उनकी सेवा करना चाहते थे ये सब सुनने के बाद कुंती के पास कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था तो व्यासदेव जी लिखते हैं कुंती रोती है उनकी आंखों से आश्रों की धारा बहती है कभी कभी अगर जो सक्षम व्यक्ति होते हैं ना जब स्त्री ज्यादा सक्षम बन जाती है तो उसकी स्त्रीयत्व का जो सेंसिटिव भावनाएं नष्ट हो जाता है अगर वो भावनाएं ज्यादा है तो उसके अंदर स्वयं निर्णय लेने की शक्ति चली जाती है तो कुंती किस प्रकार का पात्र है उसके अंदर जो रिफाइन अत्यंत सूक्ष्म जो संवेदनशीलता होती है वो भी प्रचुर मात्रा में है और उसके साथ में निर्णय लेने की क्षमता भी है जो पुरुष शक्ति भी है और स्त्री शक्ति का समन्वय है वो कुंती केवल प्योर यानी कि पवित्र केवल एक ही गुण हो बाकी गुण नहीं हो फिर वो भी हमारे समस्या का कारण बन जाता है सोचो कुंती का पात्र कैसे है जब हम उन प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा वो खीर के समान हैं उसका आस्वादन तो कर रहे हैं हम लोग एक अध्याय लेकिन वो खीर बनाने के लिए जो चावल लगता है वो मॉल से नहीं आता अगर मॉल से भी आएगा वो खरीदी करने के लिए जाना पड़ता है अगर जाना भी नहीं पड़े आपको अमेजोन में क्लिक करना पड़ता है उतना तो कि आपको चावल प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार से प्रयास करना ही होगा वो चावल फिर गुड़ के बदले में शक्कर के बदले में गुड़ लगेगा या शक्कर के बदले में आपको ब्राउन शुगर लगेगा आपको ऑर्गेनिक बनाना है तो सोचो क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा वो चावल पुराना होना चाहिए परंतु आपको समझ में आना चाहिए कि पुराना कौन सा है और नया कौन सा है चावल के तरीके होते हैं। अगर आपको पुलाव राइस बनाना है उसके लिए अलग चावल होता है अगर आपको खिचड़ी बनाना है उसके लिए अलग चावल होता है अगर आपको ले गंजी बनाना है जो पतला सा होता है उसके लिए अलग अलग चावल होता है यानी कि चावल के कितने तरीके हैं अगर जो स्वयं पाक की जो जो रसोई बनाता है वो केवल चावल देखिए डाल देता है बर्तन में ऐसा नहीं होता और उसमें भी आपको उस चावल में एक अलग फ्लेवर बनाना है तो चूल्हे पे जब भी बनाओगे लकड़ी के चूल्हे पे बनाओगे मटके पे बनाओगे तो मटके आपको खरीद लाना पड़ेगा फिर मटके में जब बनाते हो मटके का विज्ञान भी समझना पड़ेगा आपको जैसे हम लोग राधानंद महाराज के लिए मटके में जब भोजन बनाने के लिए संकल्प किया था दो तीन बार भोजन करने के बाद वो फूट जाता था हमने सोचा कुछ तो हम लोग जोर से रख रहे हैं फेंक रहे इधर उधर तो फिर नेक्स्ट टाइम बहुत केयरफुली हम लोग रखते थे लेकिन फिर भी दो तीन उपयोग करने के बाद वो फूट जाता था मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है फिर मैंने गुरु को पूछा मटके गुरु को पूछा आप किसी भागवत के स्कॉलर को पूछने से अगर उसको भागवत जानकारी होगी लेकिन अगर रसोई के बारे में जानकारी नहीं होगी वो बोलेगा सब कुछ कृष्णा का विल है एवरी थिंग इज हैपनिंग बाई कृष्णा इज विल ओनली सो देर फॉर यू टॉलरेट वो ऐसा ही उत्तर देगा लेकिन इस विज्ञान को जानता था उसने कहा प्रभु जी सिंपल होता है कि मटके को लेकर आने के बाद उसको क्या करना होता है उसको बेक करना पड़ता है उसको क्योर करना पड़ता है कैसे क्योर करना है उन्होंने कहा उसमें पानी डालो और मटके को पानी डालकर उसको बॉयल करो और बॉईल करने के बाद तीन से सात दिन पानी के साथ उस मटके को बाजू में रखना है ऐसा करने के बाद वो मटका फूटेगा नहीं जब तक आप दूसरों के सिर पर पटकोगे नहीं उसको इट विल नॉट ब्रेक और हमने देखा उसको फिर एक साल चला किसी के हाथ से वो गिर गया लेकिन तब तक फूटा नहीं यानी कि अगर कि आपकी भावना अच्छी है कि मुझे बहुत अच्छा खीर बनाना है मटके में खीर बनाना है लेकिन मटके के विज्ञान को नहीं जानते हो तो क्या होता है आपका संकल्प अपूरा पड़ जाता है जैसे किसी ने हाल ही में एक एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था केरला में किसी ने गाय के बारे में सुना एक भावनात्मक भक्त गाय के बारे में सुना कि गाय की हालत हो रही है ऐसी हो रही है वैसी हो रही है तो उसके मन में अभी मैं रिटायर्ड हो गया मेरे पास बहुत पैसा है मैं गाय की रक्षा करूंगा उसने किया गुजरात से गिर गाय केरला लेकर गया पच्चीस कुछ तीस गाय लेकर गया बीच में लेते लेते क्योंकि वो केरला है तो वहां बहुत सारे कठिनाई आई उसकी गाय जाकर पहुंची नहीं अगर गाय पहुंच भी जाती है गिर गाय माउंटेन टेरेन पे समुद्र के किनारे पे उसके लिए बहुत समस्या हो जाती है लोग इसको भी नहीं जानते उनको लगता है कि गिर गाय बहुत दूध देती है इसलिए उसको सब जमे सब जगह में ले जाओ तो गौ सेवा के बदले में गौ हिंसा हो जाती है फिर उसका विश्वास भी टूट जाता है मैंने मैंने इतना प्रयास किया करने के लिए गौ माता ने मुझे क्यों मदद नहीं किया गोपाल ने मेरी मदद क्यों नहीं की बल्कि मैं सेवा नहीं कर रहा था डायरेक्टली कुछ तो मैं दान दे रहा था अभी गाय भी आ गई बोझा भी हो गया और कुछ भी नहीं हो रहा है इसलिए भावनात्मक दृष्टि से निर्णय लेने से भावनाएं चाहिए बहुत आवश्यक है भावना लेकिन केवल भावना लेकर कुछ नहीं होता अच्छा संकल्प करने पर भी आपके पास कुछ सिस्टम ही नहीं है तो नहीं बनेगा खीर नहीं बनेगी बनते बनते सोचो आपने इतना प्रयास किया और मटका बीच में फूट गया घास में वो फूर घुस जाता है अग्नि बंद हो जाती है अगर आप चूल्हे को भी लगाना हो तो अगर आप अपने फूकते हो वो तो अग्नि के प्रति अपराध हो जाता है तो एक बार हम लोग कर रहे थे ऐसा तो राधानंद महाराज बोले यू आर डूइंग अग्नि अपराध क्योंकि आप अग्नि के ऊपर फूक रहे हो आपका थूक जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए हवा मारना चाहिए तो हवा मारते मारते उसके साथ में आपके कान में भी आपके आंख में भी चला जाता है यानी कि सोचो एक खीर बनाने के पीछे कितना सारा जो हमें साधनाओं का साधनों का एकत्रित करना पड़ता है फिर उसके बाद में बनते बनते अगर काल की प्रतीक्षा नहीं करोगे जैसे हलवा बनाना पड़ता ना जो रवा यानी कि जो आ, क्या कहते हैं उसको सूजी सूजी तो उसके भी बनाने के तरीके होते हैं धीरे धीरे आँच में एक दो घंटा आप उसको हिलाते रहो तब जो हलवा बनता है वो अलग ही होता है और पंद्रह मिनट में जो हलवा बनाते वही इंग्रेडिएंट है वो अलग बनता है लेकिन जो अच्छा हलवा बनता है उसका खाने का हम आनंद लेते हैं लेकिन उसके पीछे का प्रयास को जब भूल जाता है तब कृतज्ञता की भावना निकल जाती है इसलिए एवरी सेलिब्रेशन हर उत्सव दो चीज़ों से परिपूर्ण हो जाता है एक उसका आनंद लेना और उस आनंद के पीछे जो प्रयास है उसके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना जन्माष्टमी हो रामनवमी हो गौर पूर्णिमा हो कोई भी सेलिब्रेशन हो वो केवल आनंद लुटने के लिए नहीं है उसके साथ में जो उस वो रस आया हुआ है उस वो जो खीर आई हुई है उस खीर बनाने की वजह कितना कुछ है जो इसको जानता नहीं है वो क्या करते आधा खाते आधा फेंक देते बेंगलुरु शहर में कोई आर्टिकल आया था कई साल पहले विवाह संस्कारों में शाम के समय एक साल के अंदर कुछ साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए का जो अन्न है उसको ऐसे ही फेंक दिया था यानी कि केवल अन्न ने कितने सारे आइटम थे उसको फेंक दिया थोड़ा सा खाए फेंक दिया क्योंकि भोजन ये कोई वस्तु नहीं है इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण करना चाहिए खाना नहीं ऑनरिंग प्रसाद कहते हैं ना इसका पूजा करना चाहिए तो कुंती अपने जीवन को इतना पूजा कर रही थी इसलिए उनकी जो सौतेली साथ उनकी पांडु की पत्नी थी माधुरी ने क्या कहा अपने कुंती को जब पांडु का देहांत तो हो गया तो मादरी ने कहा देखो कुंती मैं सती इसलिए जाती हूँ कि सती जाना आसान है इसके बदले में जीवित रहना और बच्चों को संभालना आई कैन हैंडल मैं अग्नि में प्रवेश करना मेरे लिए आसान है लेकिन जीवित रहकर इन पांच बच्चों को संभालना कठिन है एक है मैं इस संघर्ष को झेल नहीं पाऊंगी दूसरा अगर झेल भी पाऊंगी मैं निपक्षपात नहीं रह पाऊंगी हो सकता है कि मैं मेरे पुत्रों के प्रति ज्यादा प्रेम दिखाऊंगी और आपके बच्चों के प्रति दुर्लक्ष करोगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप निपक्षपात रहोगी आपके पास संघर्ष करने की शक्ति है जीने के लिए आपके पास अर्थ है तो इसलिए आपको ही जीना है मैं मेरे पति के साथ में सती चली जाऊंगी हाँ सती के बारे में हमारे शास्त्रों में जो अपने इच्छा से पराक्रम के रूप में जिन्होंने किया हुआ है उसकी स्तुति की गई है लेकिन उससे ज्यादा उससे ज्यादा जो जीत कर संघर्ष करते हुए सामर्थ्य को दिखाते हुए कुंती की स्तुति और ज्यादा करनी चाहिए शी डिजर्व्स मोर ग्लोरिफिकेशन एक कुंती का एक गुण था तो कुंती क्या कहती है अपने कृष्ण को कृष्णा ये स्त्री का जो कहानी आपको मैंने सुनाया जो युद्धिष्ठ महाराज को आपको कहना है वो कहते कि जो भी इस कथा को सुनेगा और खास करके जो गर्भवती स्त्री होती है इस कथा को सुनने से मैं पहली बार वो वो सेक्शन गौर से पढ़ा काफी बार पढ़ा लेकिन इसको नहीं पढ़ा था काफी बार पूछते लोग कि क्या पढ़ना चाहिए ना? जब कोई गर्भवती होती है क्या पढ़ना चाहिए तो कुंती कहती है वो सबसे बड़ी माँ है उन्होंने अपने बच्चों को सक्षम बनाया भक्त बनाया तो कहते कि जो इस कथा को गर्भवती स्त्री पढ़ेगी उसके बच्चे सामर्थ्यवान शक्तिशाली और अच्छे बच्चे होंगे ऐसे बहुत सारे कहानी हैं यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जब कोई गर्भवती होते हैं उनको ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए फिल्म नहीं देखना चाहिए ऐसे ग्रंथों को श्रवण करना चाहिए पढ़ना चाहिए उसका परिणाम क्या हो जाता है उस गर्भ में वैसी चेतना जागृत हो जाती है व्यासदेव जी कु के बारे में क्या कहते हैं व्यासदेव जी ने जब नैमिशारण्य में सूत गोस्वामी सारे ऋषियों को महाभारत सुना रहे थे और जैमिनी ऋषि जो जे को सुना रहे थे वैश्याम ऋषि जन्मे जी को सुना रहे थे वो कहते कि महाभारत में कई प्रमुख मुद्दे हैं एक है मैं इस महाभारत में कुरुकुल यानी कि पांडवों के कुल के चरित्र को सुनाऊंगा इसीलिए तो महाभारत भारत नाम हमारा इतिहास कब से चालू होता है 1947 से नहीं फादर ऑफ द नेशन यानी कि भारत का इतिहास उन्नीस से नहीं परंतु भारत यानी कि जाता है भरत कुल से इसको लेकर तो यहाँ व्यासदेव जी कहते हैं कि मैं इस मेरे महाभारत में पूरे भरत कुल के चरित्र को सुनाऊंगा क्योंकि बहुत ही पुण्य कथा है उनको सुनाऊंगा दूसरा मैं आपको क्या सुनाऊंगा यहाँ कौरों के दुष्टता को सुनाऊंगा परसों में किसी बच्चों के साथ कथा सुना रहा था मैंने उनको पूछा आपको कैसी कथा सुननी है जो डरपोक लोगों की या वीरों की तो एक बच्चे ने कहा प्रभु जी दोनों भी चाहिए है पराक्रम वालों का भी सुनना है और डरपोक वालों का भी सुनना है डरपोक वालों को क्यों, क्यों सुनना है कि देखने के लिए उनके साथ में क्या हालत होता है हा? इसलिए उपनिषद क्या कहता है अज्ञान और ज्ञान विद्या और अविद्या दोनों के बारे में समझना चाहिए तो यहां वो कहते कि दुष्टों के बारे में आपको मैं सुनाऊंगा और पांडवों के जीवन के बारे में सुनाऊंगा और गांधारी की जो धर्मशीलता है उसकी चर्चा करूंगा और विदुर की जो प्रज्ञा आगे सोचना आगे क्या हो सकता है उसके बारे में सुंदरता से वर्णन करते विदुर उनके विदुर के बारे में सुनाऊंगा और वो क्या कहते है? कुंती की जो सहनशीलता है दृढ़ता है उसकी चर्चा कराऊंगा और सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण महिमा को मैं सुनाऊंगा। ये महाभारत की ध्वजा है जैसे अमेरिका के ध्वजा में पचास स्टार्स है ना, रिप्रेजेंटिंग पचास स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या भारत का जो फ्लैग है यू you नो know, सैफरन सफ़ेद और हरा अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं लेकिन जो सैफरन है वो किसका संकेत है समर्पण का संकेत है त्याग का संकेत है शौर्य का संकेत है सफेद किसका संकेत है शांति का संकेत है पवित्रता का संकेत है स्वच्छता का संकेत है और हरा किसका संकेत है वो समृद्धि का संकेत है प्रोस्पेरिटी का संकेत है पूरा जो भारत में जो खेती है वो हरा भरा रहेगा दैट इज अ सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लैग उसके आगे हम नहीं जाएंगे तो उसी प्रकार से हर एक ग्रंथ का अपनी घोषणा होती है अपनी ध्वजा होती है ये महाभारत की ध्वजा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पात्र कुंती को दिया गया है। क्या कि दृढ़ता डिटर्मिनेशन ऐसे ऐसे कष्टों को सहन करने की शक्ति देखो जीवन के जो इवेंट्स होते हैं ना यानी कि जो कुछ भी होगा हर एक के जीवन में प्रायश 60 टू 80 परसेंट वही होता है खाने के बारे में लेकर संबंधों के बारे में लेकर विवाह के बारे में लेकर घर के बारे में लेकर गांव के बारे में लेकर अपने जॉब के बारे में लेकर बीमारियों के बारे में लेकर अगर हर तीसरा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हर छठा व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है हर कुछ व्यक्ति एड्स से पीड़ित है अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है इसलिए प्रायश हर एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इसके साथ में झेलना ही होगा इसके साथ में डील करना ही होगा इसलिए इवेंट्स यानी कि आपके जीवन में होने वाले जो घटनाएं है वो प्रायश समानीय है उसमें कोई विशेष नहीं है कइयों का बहुत बड़े पैमाने में होता है क्योंकि बड़ी पोस्ट है लेकिन एक्सपीरियंस अनुभव वही है अनुभव वही है इवेंट को कोई बदल नहीं सकता आप कितना ही मंदिर जाओ कितने भी यहां जाओ मंदिर आते समय भी आपकी गाड़ी पंचर हो सकती है अभी नहीं बोल सकते अरे वो लोग तो मैच देखने के लिए गए थे उनका कभी पंचर हुआ ही नहीं मैं मंदिर देखने के लिए मंदिर में आया तो मेरा पंचर हो गया पंचर होना ये गाड़ी का स्वभाव है कभी ना कभी पंचर होगा ही अगर इसके ऊपर भी अगर आपने भगवान के प्रति आक्षेपण किया ऐसा क्यों हुआ तो हमारी बुद्धि में कुछ कम है ये नो कुछ स्क्रूड ढीला है वी कॉन्ट एक्सपेक्ट दैट हमें उसके लिए ये अक्षेपण नहीं जीवन का अविभाज्य अंग है इसको कृपा करके समझे कि जो आपके साथ में होगा ये कोई विशेष नहीं है ये धारा है कईयों के लिए कर्म के कारण हो सकता है और कई सृष्टि का नियम है ये प्रकृति का नियम होने के कारण गर्मी ये आप कह रहे मेरा कर्म यही है, गर्मी है अगर नहीं गर्मी ये प्रकृति का नियम है गर्मी के मौसम में कृष्ण कहते हैं गीता में कि ये गर्मी और ठंडी तो आएगा और जाएगा ही इसको सहन करना चाहिए इसके लिए ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए ये क्यों हो रहा है इसके लिए फिलोसफिकल डिस्कशन नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवन का ये अविभाज्य अंग है लेकिन जब ऐसे इवेंट आते हैं, खास करके जो जनरल इवेंट नहीं है गर्मी हो गया महंगाई हो गई यू नो या कोई इलेक्शन में कोई पार्टी जीत गया है तो जनरल है लेकिन स्पेसिफिकली आपके साथ में अगर कुछ हो रहा हो आप एग्जाम में फेल हो गए जो प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे या आप प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे आपको सेवेंटी परसेंट नहीं मिलना होता नाइन्टी एट परसेंट मिल गया कभी कभी लोगों को लॉटरी लगती है और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था जब उतने प्राइज़ मनी के बारे में सोचते हैं तो कई ऐसे कहानी है उनको हार्ट अटैक होकर वो मर गए उन्होंने टिकट को ट्रांसफर्म ही नहीं कराया उसके पहले ही मर गए क्योंकि वो समाचार सुनकर मैंने कहाँ पढ़ा था किसी गुजरात में किसी को बहुत बड़ा लॉटरी लग गया उसने सब कुछ खरीद लिया जो उसके बुद्धि में सोच रहा था गरीब व्यक्ति था वॉट एवर ही गुड थिंग उसने सब खरीद लिया फिर भी पैसा बच गया उसको समझ में नहीं क्या करना चाहिए वो उस सारे पैसे को शराब पीकर जला दिया उसको तो उसको तब शांति मिल गई है ना ही थॉट लेट मी बर्न ये नहीं सोचा कि दूसरों के लिए देना चाहिए एजुकेशन के लिए देना चाहिए उसके लिए देना चाहिए उसने जलाने के बाद शांति का अनुभव किया क्योंकि उसके अंदर इवेंट को घटनाओं को किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए इसकी क्षमता नहीं थी जो घटनाएं होती है ना वो एक चावल के समान है आप उससे क्या करते हो वो आपके ऊपर निर्भर है चावल तो आपके मुट्ठी में निश्चित रूप से आएगा आज नहीं तो कल आएगा इसको आप नहीं कह सकते कि मैं चावल नहीं लूंगी या नहीं लूंगा आपको लेना ही पड़ेगा वो चावल घटना के समान है उस चावल के साथ में आप क्या करोगे आपका उत्तरदायित्व तो होता है अक्षता के रूप में किसी मंगल कार्य में उसका उपयोग करोगे या उस चावल को लेकर उसका शराकर शराब बनाओगे या उस चावल को लेकर आप पुलाव बनाओगे खीर बनाओगे वॉट यू मेक ऑफ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको आएगा वो निश्चित रूप से आएगा इसलिए कर्म और योग ये दोनों साथ चलते हैं कर्म चावल के समान है योग क्रिया के समान है वॉट विल यू डू विथ योर कर्मा उसका आप क्या करोगे कुंती एक ऐसी पात्र है ऐसा पात्र है उन्होंने अपने चावल को खीर बनाया अपने जीवन के आने वाले घटनाओं को उसको उन्होंने क्या बनाया उन्होंने एक सुंदर अद्भुत मधुर रस बनाया इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे विधिष्ट राजा बन गए थे चक्रवर्ती बन गए थे अभी कोई प्रतिस्पर्धी राजा नहीं थे राजा लोग थे लेकिन दुर्योधन जैसा कोई नहीं था सारे जो राक्षसी राजाओं का वध हो गया था धर्म की स्थापना हो गई थी सांकेतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए थे तब कृष्ण हस्तिनापुर की ओर जाने लगे तब कुंती उनको रोकती है और वो क्या कहती है देखो जब सब कुछ हो गया है कितना संकट कितना कष्ट कितना संघर्ष और छोटा सा संघर्ष नहीं एक झोपड़ी संभालने में दो बच्चों के साथ संघर्ष होता है इम्पैक्ट उतना ही होता है लेकिन एक हस्तिनापुर की गद्दी वो चक्रवर्ती राजा जो भिखारी बन गया है बारह साल उनके बारे में कुछ समाचार नहीं मिला उसको थोड़ा इधर उधर से मिलता था हरज फोन नहीं कर पा रही थी वो बेटा क्या हो रहा है नहीं कर पा रही थी और रह रहती थी किनके घर पे जो अपने बच्चों यानी कि उनके राज्य में रह रही थी उनके प्रजा के पास ज्यादा स्वतंत्रता थी उनकी प्रजा युधिष्ठिर महाराज की प्रजा ने क्या सोचा हमें दुर्योधन राज्य में उसका प्रजा नहीं बनना है ये भी पांच हजार पहले से ही है पॉलिटिक्स में होता है ना अगर ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे मैं देश छोड़ दूंगा बोलते हैं ना ये पांच हजार साल पहले जब युधिष्ठिर महाराज वन की ओर जा रहे थे लाखों प्रजा ने कहा युधिष्ठिर हम नहीं चाहते कि हम दुर्योधन की प्रजा बने हम भीख मांगेंगे हम भूखे रहेंगे तीन चार दिन के लिए हफ्ते में एक बार भी खाना मिलेगा तो चलेगा लेकिन हम दुर्योधन की प्रजा बनने से अपने आप को बचाना चाहते कृपा करपा हम आपके पीछे आएंगे ये अवसर कुंती को नहीं मिला उसको रहना पड़ा लेकिन ऐसी कुंती क्या कह रही है वो कहती है कृष्णा, तुम अगर चले जाओगे विपद संतुत शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु वो कहते कि देखो अगर आप चले जाओगे तो क्या होगा हमें आपके स्मरण से वंचित रहना पड़ेगा आपका स्मरण कब होता है जब आप हमें संकष्ट दोगे कष्ट दोगे आपके कष्ट में आपका स्मरण होगा अगर आपका स्मरण होगा तो जन्म मृत्यु के चक्र से परे चले जाएंगे केवल बोली नहीं कुंती उस संकष्ट को झेली उसके लिए तंत्र बनाया उसके लिए सकारात्मक क्रिया किया और ये सब करने के बाद जो अपना उत्तरदायित्व था धर्म का उत्तरदायित्व क्षत्रिय का उत्तरदायित्व अपने पुत्र को राजा बनवाया और वो बनाने के बाद कहती कि लेट द डिफिकल्टीज एक कष्ट मेरे जीवन में बार बार आते रहे और कृष्ण के कौन से नाम से पुकारती है कड़वापति नहीं मधुपति मधुपति के नाम से पुकारती है तो ऐसे स्त्री ऐसे एक महान चेतना क्या हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए एक आदर्श नहीं है दुर्भाग्य यह है इस पूरे देश में दीक्षा नाम को छोड़कर कोई अपने बेटी को कुंती नाम रखते नहीं है नटी का नाम रखते हैं, कोई स्पोर्ट्स स्टार का नाम रखते हैं, लेकिन कुंती का नाम रखते ही नहीं है तो देखो लोगों ने क्या क्या नाम नहीं दिया है अमेरिका में एक ऐसी संस्था है अगर आप अपने बच्चों को उनके कंपनी के साथ जोड़कर नाम दोगे नो वो कौन सा पाउडर आता था, था ना जो जॉनसन पाउडर क्या जॉन जॉनसन ऐसा नाम दोगे तो आप हाँ? जॉनसन पाउडर ना जॉन जॉनसन ऐसा नाम दोगे तो कंपनी आपको नियमित रूप से अपने कंपनी का नाम अपने बच्चों के साथ देने के कारण आपको हर महीना कुछ एड के लिए कुछ पैसा देगा एक किताब लिखा है किसी ने वॉट मनी कांड बाय अगर आप अपने बच्चों को टैटू इधर लगा दिया कंपनी के साथ में एक नाम डालकर फिर आपको रेगुलर इनकम मिलेगा उसके लिए लोग अपने बच्चों को एक साधारण उसमें कोई प्रेरणा नहीं है ऐसे कंपनी का नाम रखने के लिए तैयार होते हैं लेकिन वो कुंती एक ऐसा सकारात्मक पात्र है उसके बारे में मुझे लगता है कि अगर नब्बे प्रतिशत भारत भारतीय लोगों को जो बहुत आजकल बहुत पढ़े लिखे हैं ना उनको कुंती कौन है माद्री कौन है गांधारी कौन है उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि उन्होंने चावल को क्या बना दिया शराब बना दिया चावल को सड़ा दिया उसको और उसको पूरा सड़ा कर उसको शराब बनाकर कहते कि आपके देवता लोग भी पीते हाँ। तो ये घृणास्पद चेतना है तो थोड़ा सा कुंती का जीवन हम देखते हैं, मैंने क्या कहा कि उसका जीवन उसका इवेंट्स ज्यादा इंटेंस था कुंती बोझ ये उसके पिता नहीं थे उन्होंने उसको दत्तक लिया था कब दत्तक लिया था जो शूरसेन, शूरसेन यानी कि जो मथुरा के राजा थे वो मथुरा के यदुकुल के थे और उनके चार बेटी और कुछ नौ भाई थे बेटे थे उसमें से कुंती पहली बेटी थी जब वो सात साल की थी सोचो जो सात साल की लड़की होती है उसको अगर किसी के दूसरे घर में दत्तक के रूप में दिया तो कितना बड़ा मानसिक परिणाम हो जाता है जब अमेरिका में वगैरह आजकल ये जो एडॉप्शन लेने के बहुत सारे चर्चाएं होती है एडॉप्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए क्या करना चाहिए लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिनको अडॉप्ट करके लेते हैं जब उनको समझ में आता है कि हम ऐसे थे इज वन ऑफ द ग्रेट मेंटल ट्रबल ऑल्सो मानसिक तनाव का बहुत बड़ा एक समस्या का कारण है तो कुंती जब सात साल की थी उसको उसके पिता ने अपने ही जो संबंधी थे और मित्र थे कुंती बोझ को दत्तक के रूप में दिया और इसकी चर्चा कुंती कृष्ण के साथ में करती है एक प्रकार से अपने पिता जी को उत्तरदायित्व ठहराती है इट्स अ ट्रामा सडनली आपको एक परिवार से दूसरे परिवार में जाकर उनको माता पिता बोलना है कई लोग पॉलिटिकल कारण के लिए करते थे कई लोग मित्रता के कारण करते थे लेकिन भूल जाते थे जिनको लेकर कर रहे हैं, उनको पूछा ही नहीं है तो सात साल की थी वो फिर उसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम एक अलग ही सब्जेक्ट हो सकता है काफ़ी क्योंकि उनको रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा ये आ जाता है कि आई वॉज़ रिजेक्टेड बाय माई पेरेंट्स मेरे माता पिता ने मुझे रिजेक्ट किया और किसी ने मुझे बड़ा किया उसके सकारात्मक है नकारात्मक दोष नकारात्मक ये और सकारात्मक अगर अच्छे माता पिता मिले और अच्छा से उनका देखभाल किया जैसे नौ तारीख को हमारे जो अदृता बच्चे जो उड़ीसा में जो अद्रता नामक जो लड़कियों के लिए जो गृह है वो अनाथ आश्रम नहीं है तो वहाँ के प्रोफेसर उन्होंने जिस प्रकार से उनका देखभाल किया और चार बेटियों को अपने बेटियों से ज़्यादा सुरक्षा दी है। दे वेर रिजेक्टेड बाय द पेरेंट्स उनके माता पिता ने उनको क्या कर दिया उनको छोड़ दिया क्योंकि वो बेटियां थी घर के लिए बोझा बन जाएंगे संकट बन जाएंगे ये बेटी खुद बोलना और माता पिता केवल बोलना नहीं बोलते बोलते उसको त्याग देना लेकिन उनका सौभाग्य था कि ऐसे माता पिता से वो छूट गए माता पिता बनने के लिए लायक नहीं थे जैसे कुंती ने कहा था ना उस विदुला के कहानी में कि जो बेटा जो बेटी अपने घर में अपने माता पिता से केवल भोजन के बारे में चर्चा करते हैं वो लोग केवल आबादी को बढ़ाते दे बिकम कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसलिए प्रभापा जी कहते हैं ना समाज में आबादी नहीं बढ़ी है इट इज नॉट अबाउट पॉपुलेशन ये किस प्रकार की जनता है वो बोझा बन जाता है नंबर इज नॉट अ प्रॉब्लम नंबर की समस्या नहीं है लेकिन किस प्रकार के बच्चे हैं, बोझा बनने वाले बच्चे तो यहाँ सकारात्मक था कुंती शक्तिशाली बन गई लेकिन मन में आया उन्होंने कृष्ण को कहा कि मेरे साथ में ऐसा हुआ और जब वो कुंती बोझ के राज्य में आई उनके यहां एक बार दुर्वास मुनि आए और कुंती बोझ जानते थे कि दुर्वास मुनि को प्रसन्न करना आसान नहीं है प्रायश जहां कहीं भी वो जाएंगे वहां एक न एक शाप देकर ही निकलते हो शाप तो मिलेगा ही आपको उसकी तीव्रता के बारे में सोचना पड़ेगा कितना तीव्र है और कितना कम तीव्र है तो ऐसे कुंती प्रथा उसका नाम था जब वो तेरह साल की थी सोचो तेरह साल की बालिका वो कितनी भी गंभीर हो तो बालिश की जो चेतना होती है इट इज़ बट नेचुरल तो ऐसे तेरह साल की जो बालिका थी उसको दुर्वासमुनि की सेवा में लगाया कब चौबीस घंटा उनका देखभाल करना और मुनि को प्रसन्न करना आसान नहीं था बहुत कम लोग उनको प्रसन्न कर पाते थे भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न नहीं कर पाए भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को भी शाप दिया था उन्होंने अगर आप द्वारका में जाओगे वहाँ देखते हो कि रुक्मिणी का मंदिर और कृष्ण का मंदिर अलग अलग जगह पे है इसका कारण कौन है दुर्वासमुनि है कृष्ण को और रुक्मिणी को अलग अलग करके रखे हुए तो उनको जो रुक्मिणी और कृष्ण नहीं कर पाए वो कुंती कर पाए और केवल एक दिन नहीं कर पाए रुक्मिणी कुंती ने चार महीने तक किया चार महीने चतुर्मास में उनकी सेवा करना और साधु लोग कभी कभी उनका दिमाग बहुत गर्म हो जाता है ज्यादा उनके मुख से शाप भी निकल जाता है तो कुंती इतनी सफल रही उनकी सेवा करने में चार महीने में इतनी सफल रही ऐसी कोई कहानी भी है वो महाभारत में नहीं है लेकिन लोग कता है कि एक दिन दुर्वास मुनि अचानक आकर बोला उनके मुझे खाना खाना है तो कुंती भोजन लेकर आती है और रखने के लिए क्योंकि खिलाने के समय भी कुछ संस्कृति होती है ना रखने के लिए कुछ नहीं था उन्होंने कहा तुम्हारा पीट दे दो मुझे तो थाली उसके पीठ में रखते हुए दुर्वासमनी ऐसे हरकतें कर सकते हैं ना आजकल हुआ तो चाइल्ड अब्यूज हो जाएगा यू ना तो उनके पीठ पर उस थाली को रखते हुए कुंती घोड़े के समान बैठी हुई है और दुर्वासमुनी निर्दय होकर खा रहे हैं अभी मैं उनको बोल सकता हूँ क्योंकि इधर नहीं आएंगे शाप देने के लिए <laughs> तो कुंती ने उतना तक उनको क्या किया उनकी सेवा की तो सेवा करने के बाद दुर्वासमनी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको मंत्र दिया और ये मंत्र कैसे था ये अभिचारिणी मंत्र था महाभारत कहता ये मंत्र ऐसे शुद्ध नहीं मंत्र थे ये जबरदस्ती से देवताओं को बुलाने वाले मंत्र थे व्यभिचारिणी मंत्र बोलते अभिचारिणी मंत्र बोलते उसको जैसे कभी कभी जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषकार होते हैं ना वो ग्रहों को ज़बरदस्त से इधर से उधर हिलाते हैं और लोगों के कर्म को बदलने का प्रयास करते हैं तो बहुत बड़े एक ज्योतिषकार बता रहे थे वैष्णव ज्योतिषकार इसलिए ऐसे ज्योतिषकार जो बहुत हस्तक्षेप करने लगते हैं ग्रहों को लेकर उनके जीवन में बहुत समस्या आती है इसलिए उनका उत्तरदायित्व क्या होता है उनको बताना कि देखो ये ये समस्या है और उनको सिंपल जो हस्तक्षेप न करने वाले सॉल्यूशन को देना होता है तो दुर्वासमुनि ने उनको मंत्र दिया कहा कि तुम किसी भी देवता को इससे बुलाओगे निश्चित रूप से आ जाएंगे और आप जो मांगोगी मतलब आपको बच्चे देंगे बोलकर चले गए अभी तेरह साल की वो बालिका थी उसको इस प्रकार से मंत्र देना इट इज लाइक गिविंग अ मोबाइल फोन टू एवरीबडी अडल्ट नहीं बच्चे नहीं सब लोग हमारे हाथ में स्मार्टफोन आने से हम डल बन गए वो मंत्र के समान ही है तो सोचो वैसा मंत्र उनको दिया और जब वो कुंत्री ने उस मंत्र को लिया उसके हाथ में प्रत्यक्ष रूप में दे दिया अभी क्या हुआ वो कितना भी प्रेम से सेवा की हो लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा आइडियल क्यूरियोसिटी जागृत हो गया यह स्वाभाविक है उसमें उसका कोई दोष नहीं है लेकिन कब और किसके साथ में आइडियल क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा ये आ गया उसका परिणाम देखो गलती छोटी सी थी गलती क्या थी कि जिज्ञासा लेट मी सी वॉट इट इज ये क्या चीज है उसके मन में ऐसा विचार आया और ये स्वाभाविक है कि सूर्य हमेशा सामने दिखने वाले देव है इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा का भगवान का एक एक्टिव स्वरूप वो भगवान सूर्य है इसलिए सूर्य को अर्घ अर्पण करना संध्या करना यू you नो know, सूर्य नारायण के रूप में उनकी उपासना करना इस सब जगह में होता है सब लोग करते वैष्णव करते शाक्त लोग करते और बाद में शैव लोग भी करते सब लोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर रोज संध्या करते थे सूर्य को अर्घ अर्पण करते थे ऐसा भागवत के दशम स्कंद में है तो कुंती ने क्या किया सूर्य को आह्वान किया और सूर्य को आह्वान करते ही सूर्य प्रकट हुए तो कुंत ने बोले आप चले जाओ शीशा हिम उनको लगा कि मंत्र काम करता है तो हुआ क्या कि जैसे सूर्य को बुलाया ही वॉज फोर्स टू कम डाउन आने के बाद सूर्य ने कहा बेटी देख आपने मुझे बुलाया है और जो आपने बुलाया है तो मेरा आना मेरे आने से जो होना चाहिए वो होगा ही मैं ऐसे खालियात नहीं जा सकता इसलिए इस मेरे वरदान को आपको स्वीकार करना ही होगा तो कुंतने का अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा क्या होगा समाज क्या कहेगा मैं क्या जाकर लोगों को कह सकती हूं कि सूर्य भगवान नीचे आ गया बोलेगे पागल हो गए क्या सूर्य नीचे कैसे आ सकता है कौन उसके वाक्यों को स्वीकार कर पाएगा कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा तो कुंती उनसे प्रार्थना करते कि आप ऐसा मत कीजिएगा तो सूर्य कहते नहीं अगर आप इस वरदान को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दूंगा आपके वरदाता को शाप दूंगा और आपके कुल को शाप दूंगा तो एक वैष्णव आचार्य कहते इट बिकम अ ईगो ऑफ सन गॉड उन्होंने जबरदस्ती करना चालू कर दिया तो जो ज्योतिष शास्त्र से कुंती चंद्र कुल की है और सूर्य सूर्य है जब इन दोनों का जो मिश्रण हो जाता है वो कर्ण नाम का ग्रह निकल जाता है उसको ग्रहण लग जाता है द कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजिकली वॉज नॉट राइट तो क्या हुआ कर्ण का जन्म हुआ अमोघता भौतिक भौतिक दृष्टिकोण से उसके अंदर इतने सारे कुछ रिसोर्सेस थे परंतु उसका उपयोग क्या हुआ हमेशा उसके बुद्धि को ग्रहण लगने के कारण वो गलत कार्य के लिए जाया करता था उसका जन्म होते ही देखो सोचो कुंती वो कहती है कि मेरा जीवन यानी कि केवल वियोग का है पिता से वियोग यानी कि स्वयं के माता पिता से वियोग फिर बाद में दत्तक माता पिता थे उनसे वियोग विवाह हो गया विवाह होते ही पांडु महाराज जल्दी चले गए पति से वियोग हस्तिनापुर में आ गई तो उसके अस्तित्व के बारे में लोगों ने शंका उठाई अपने कुल से उसको दूर रहना पड़ा अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा अपने भाव से दूर रहना पड़ा उसका जीवन केवल कैसा वियोग था वो कष्ट साध्या इसलिए प्रभुपा जी कहते हैं चैतन्य भागवत के एक तात्पर्य में कुंती के प्रेयर्स में देवकी को भी इतना कष्ट झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ी उसका जो संकट था वो सीमित था काल को लेकर लेकिन कुंती का कष्ट हमेशा के लिए था भर भर के कष्ट था तो क्या हुआ कुंती ने उस बच्चे को डर के कारण परंतु कष्ट के साथ दुख के साथ उस बच्चे को टोकरी में टोकरी में रखकर उसको छोड़ देती है प्रार्थना करती है और अधिरत और उसकी पत्नी राधा ने उस कर्ण को जो उपासना की उसको बढ़ाया ये जो कहानी है कुंती हमेशा के लिए स्मरण करती है अंत में महाभारत के अंत में उसका पूरा जीवन जब समाप्त होने वाला था वो देव जी से बात करती है परिवार के थे भगवान के अवतार थे बड़े शास्त्रज्ञ थे उनसे प्रश्न करते कि ये जो कष्ट है मेरे मन से कभी निकला ही नहीं है मैंने जिस प्रकार से कर्णों को त्यागा लोग कहते ना कि कुंती कितनी कठोर थी पूरे जीवन अपने इस कोई बड़ा अपराध नहीं था वो लेकिन वो मानते कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है नॉट डिप्रेस्ड लेकिन उसके मन में दुख था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था शी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मन में प्रायश्चित की भावना थी ये अंतर होता है कि प्रायश्चित करना और मानसिक तनाव के कारण बीमार पड़ जाना इतना भी नहीं कुंती केवल कर्ण के बारे में नहीं कहती है वो कहती है व्यासदेव जी को व्यास केवल कर्ण नहीं मैंने जिस प्रकार से देवताओं का आह्वान किया मेरा दुर्दैव देखो मैं मेरे बच्चों को मेरे पति के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाई ये मेरे मेरे को हमेशा टोकता रहता है तो व्यासदेव जी क्या कहते कि कुंती तुम शक्तिशाली हो तुम पवित्र हो और पवित्र और शक्तिशाली होते ना वो कुछ भी पचा सकते इसलिए आप में कोई दोष नहीं है करके व्यासदेव जी उसको सांत्वना देते उसको आश्वासन देते उसको एम्पावर करते देते पॉइंट इज कुंती ने कभी इस प्रसंग को कभी भूली नहीं लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ उसका पुत्र कर्ण ने क्या किया उसके प्रति जब कर्ण से मिलने आती है कुंती क्यों मिलने आई थी वो इसके बारे में भी लोग कितना अलग सलग बोलते हैं मतलब देखो कुंती तो क्रूरित ही अपने पुत्र को त्याग दिया और त्यागने के बाद युद्ध के समय अपने बच्चों के प्रति इतना स्वार्थ था कर्ण को निष्क्रिय बनाने हेतु तो, उसके मन में ऐसी भावनाओं को डालकर उसके पराक्रम को नाश करने के कारण स्वार्थी बनकर वो कर्ण के पास आई उसको बोलने के लिए तू मेरा पुत्र है नहीं विदुर के साथ कुंती की चर्चा होती है विदुर कहते हैं कि क्या हुआ उस सभा में कैसे भगवान कौरवों को बोल नहीं पाए समझा नहीं पाए शांति लाने हेतु तो। और कितना बड़ा युद्ध होगा कितने लोग मारे जाएंगे कितना घमासान युद्ध हो गया उसको रोकने की इच्छा से अगर कर्ण पांडवों की ओर से आ जाएगा तो युद्ध रुकेगा लोग मरेंगे ने इस कारण के लिए कुंती आती है लेकिन जब वो आती है तब तो कर्ण क्या कहता है वो कहता है कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया आपने मुझे छोड़ दिया मुझे त्याग दिया ग्रहण था ना उन्होंने कभी कुंती के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया ही नहीं और कुंती अपना प्रयास करते उसको समझाने के लिए जब जानते कि वो समझ नहीं पाएगा खुद वो वरदान देता है कि एक तो तेरे पाँच बच्चे तो निश्चित रूप से रहेंगे एक तो मैं रहेगा या एक तो अर्जुन रहेगा अर्जुन मेरे से मारा जाएगा या मैं अर्जुन से मारा जाएगा ये मैं आपको आश्वासन दूंगी आश्वासन दूंगा इतना कहकर कर्ण बोलता है कुंती वहाँ खड़ी नहीं होती है शिडन प्लीड और बेग ये दो पन्नों में महाभारत के तीस या चालीस श्लोक के अंदर ही ये उनको मिलने का प्रसंग समाप्त हो जाता है क्योंकि कर्ण पहले से ही जानता था कि मैं कुंती का पुत्र हूँ ये नहीं कि कुंती ने आकर उसके भावनाओं को बिगाड़ दिया इसलिए वो वीक बन गया ये सब गलत कहानी है कुंती को दोष ठहराने के लिए लेकिन कुंती नहीं जिंदगी भर प्रायश्चित करती रही अपने इस छोटे से गॉड विल फर्ग यू कृष्णा ने उनको उस अपराध को स्वीकार ही नहीं किया लेकिन ये कैसे है आपकी उंगली इलेक्ट्रिक थाउजेंड ओल्ड पे अगर चले जाए निष्पापता के कारण आपने किया है अज्ञान के वश में आपने किया है या शूरता के कारण किया है तो क्या होगा आपकी उंगली या हाथ जलकर भस्म होगा ही वो जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा तो रखने के लिए कुंती तैयार थी उसको तो कुंती हम देखते हैं उसकी परीक्षा में प्रसाद आया उसकी जिज्ञासा वो कैसा जिज्ञासा था इसलिए कहा जाता है कि जिज्ञासा करने वाले भी बुद्धिमान होना चाहिए वॉट कर्न ऑफ क्वेश्चन यू आस्क जिज्ञासा बच्चों को इतना जल्दी उनके निष्पापता को नाश करने नहीं देना चाहिए अगर उनकी निष्पापता बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है एंड दे आस्क टू मच्योर्ड क्वेश्चन वो ये नहीं समझना चाहिए कि देखो मेरा बच्चा कितना मच्योर है उसके पास निष्पापता नहीं है इनोसेंसी चला गया अगर वो इनोसेंसी चला गया तो प्रश्न जिज्ञासा के बदले में वो डाउटिंग और चुनौती बन जाती है तो सही समय पर सही होना चाहिए और जीवन भर संघर्ष करते वियोग उसके जो संस्कार के परिणाम किस प्रकार का संस्कार दिया जाता है वैसे व्यक्ति को अपने पूरे जिंदगी भर झेलना पड़ता है उनके पिता ने उनको संस्कार दे दिया कैसा वियोग का संस्कार वो हमेशा के लिए उनके साथ में रहा और सूर्यदेव की धमकी वियोग कित से पिता से पुत्र से पति से और संबंधों से जैसे कौशल्या माँ दशरथ को कहती है कि मैं जब आपके साथ मेरा विवाह हो गया तब मैं मेरे माता पिता से बिछूड़ गई और जब आपका विवाह कई कई के साथ में हो गया मैं आपके साथ बिछुड़ गई और मेरा एक ही एक ही रक्षा का केंद्र था सुरक्षा का केंद्र था आश्वासन का केंद्र था राम अब आपने राम को वन जाने का आज्ञा दे दिया इस प्रकार से मेरे पुत्र से भी मैं बिछुड़ गई मैं अलग हो गई तो ये सबसे वियोगी होने के कारण मेरा जीवित रहने पर भी कोई लाभ नहीं है देखो उसी प्रकार से कुंती के साथ में वही हुआ राम चौदह साल के ले गए ये तेरह साल के ले गए राम के परिवार में कम से कम तीन तो दो तो भाई वहां ही ठहरे और अयोध्या कोई पाप की भूमि नहीं थी जब कौशल्या को समझ में आया कि भरत के गुण राम वैसे ही है शत्रुघ्न के गुण लक्ष्मण जैसे ही है राम वहां होने का दुख था लेकिन भरत के प्रति उनकी एक प्रशंसा गौरव भी था लेकिन कुंती को अवसर नहीं मिला ऐसा ये नहीं बोली वो अपने बच्चों को ठीक है पांच बच्चे तुम लोग वहां हो यहाँ तुम्हारे सौ भाई लोग हैं मैं उनके साथ संतुष्ट रहूंगी पांडव वनवास के लिए गए लेकिन कुंती अयोध्या में नहीं थी पांडव वन में थे कुंती रावण के लंका में थी देखो लेकिन फिर भी एक नौच यानी कि वो कौशल्या से थोड़ा एक एक स्तर और भी ज्यादा अपने धैर्य को प्रदर्शन करती है तो इसीलिए कुंती का जीवन क्या था वो कहा जाता है कि स्वर्ग की एक देवी है वो कैसी देवी है प्रभापात जी तात्पर्य में लिखते हैं वो सक्सेस की देवी है यश की देवी है लेकिन यश किस प्रकार का यश है यश किसी ने डिस्काउंट के रूप में नहीं दिया हुआ है आस्ती देते ना प्रॉपर्टी देते चल तुम्हारा हो गया किसी ने खुद कमाया नहीं है लेकिन कुंती ऐसी है उसके उसमें और गांधारे में अंतर क्या है गांधारी का भी जीवन संघर्ष संघर्ष का था लेकिन वह यश था ही नहीं इसलिए अगर किसी के जीवन में केवल कष्ट ही आता है और कभी भी यश नहीं आता ये प्रायश ऐसे लोग अपना गुस्सा भगवान के प्रति ऐसा दिखाता है कि शाप दे सकते हैं बिकॉज लिमिट होता है हर कष्ट की एक सीमा होती है कष्ट में अगर कुछ अगर द्वंद्व का अनुभव नहीं किया ये भौतिक जगत द्वंद्व का है हियर आपको थोड़ा सुख थोड़ा कष्ट थोड़ा सुख थोड़ा कष्ट अनुभव करना ही होता है भगवान ने इस प्रकृति को ऐसी बनाई है अंधे लोग लंगड़े लोग अपंग लोग इनकी संख्या कम है जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है मरने वालों की संख्या कम है बीमार लोगों की संख्या कम है जब समाज बीमारों से ही भर जाता है फिर वो पृथ्वी नहीं रहेगी वो नरक बन जाएगा नरक क्या है नरक में केवल मात्र कष्ट ही है स्वर्ग क्या है स्वर्ग में केवल सुख है लेकिन स्वर्ग का प्रॉब्लम क्या है सुख जल्दी खत्म हो जाता है वही सबसे बड़ा कष्ट है द प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट पेन ऑफ स्वर्ग शास्त्र में कहा गया है जो स्वर्ग में रहने वाले को समझ में नहीं आता कि मेरा कर्म का फल खत्म कब खत्म हो गया सडनली तीन दिन फाइव स्टार होटल में रह कर फुकड़ का जो कंपनी देता है ना वो जैसे ही खत्म हो जाता है फिर से उसको लोकल ट्रेन पकड़ना पड़ता है न <laughs> तो उसका जीवन असली जीवन चालू हो जाता है वैसे ही स्वर्ग में है किसी ने पूछा था इंद्र से कि स्वर्ग का डिसएडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज यह है आपका सुख कब खत्म हो जाएगा कब वहाँ से धक्का मारकर भगा देंगे ये समझ में नहीं आता इसलिए प्रकृति भौतिक प्रकृति ये जो पृथ्वी है ना ये सबसे विचित्र और महत्वपूर्ण जगह है एक भिगारी भी जो दादर स्टेशन में बैठकर जो भीख मांगता है उसका सुख क्या है उसको ट्रेन में लोगों जैसा भागना नहीं पड़ता इट टू रन अराउंड तो भिकारी है लेकिन उसकी संतुष्टि क्या है कि उसको संघर्ष नहीं है हा? तो किसी का मर्सिडीज़ गाड़ी हो सकता है लेकिन अगर बॉम्बे में चला रहा हो तो गाड़ी का सुख है लेकिन प्रवास का सुख नहीं है लेकिन गांव में बैलगाड़ी में बैठे हो वहाँ ट्रैफिक नहीं है आप सो सकते हो और बैल आपको अपने गंतव्यों को निश्चित रूप से ले जाएगा तो ये जो ये जो द्वंद्व है ना ये द्वंद्व कुंती ने सही प्रकार से अनुभव किया संघर्ष के साथ में सुख का भी अनुभव कर रही थी सुख कैसा था कि सार्थक पुत्रों को प्राप्त करने का सुख देर वॉज अ प्राइड देर वॉज अ हैप्पीनेस कि कुछ भी हो जाए मेरे पुत्र अगर दरिद्र भी बन जाए भौतिक दृष्टिकोण से लेकिन वो हमेशा के लिए समर्थवानी रहेंगे इसलिए कुंती अपने बच्चों को एक दूसरों की सेवा करने के लिए आप कब भेज सकते हो जब आपको अपने बच्चों के प्रति गौरव है वही माता अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकती है जो अपने बच्चों के सामर्थ्य के प्रति हमेशा के लिए शंका रखती है या दुर्लक्ष करती है उसमें संवेदनशीलता नहीं है उसको अपना किटी पार्टी करना है इसलिए अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में रखती है गुरुकुल में नहीं अरे जाने दो मैं पांच साल तक बड़ा किया ना अभी उसको बोर्डिंग में जाना थे तो वही बच्चा क्या करेगा माँ ने अपने बच्चों को बोर्डिंग में रखा उसको वृद्धाश्रम में रखेगा ये यथाम प्रपदन थे अगर बच्चे आपके लिए बोझे बन गए तो निश्चित रूप से माता पिता बच्चों को बोझा बनेंगे क्योंकि आपने क्या किया था वही बीज बोया था यू नो यू प्लांटेड दैट सीड लेकिन कुंती का सुख क्या था अपने बच्चों के अच्छे समय में या बुरे समय में उसको अपने बच्चों के प्रति विश्वास था कि गलत कभी नहीं करेंगे उसी प्रकार से केवल बच्चों के प्रति नहीं जितना अपने बच्चों से प्रेम करती थी कुंती का सबसे द्रौपदी के लिए महान सौभाग्य क्या था उसको ऐसी सास मिली और कुंती का सौभाग्य क्या था उसको ऐसी बहू मिली जो अपने बहू की प्रशंसा करती है बहू के प्रति विश्वास है जब बचपन में जब पांडव जंगल में थे उनके साथ में थी लेकिन जब पांडव बड़े हो गए उनका विवाह हो गया अपने घर पे खुद रही और द्रौपदी को छोड़ दिया कि वो देख लेगी अपने बच्चों को शी कंप्लीट कॉन्फिडेंस शी एड अ पॉजिटिविटी सकारात्मक भावना थी अपने बहू के प्रति वो अपने पांच पुत्रों को देख सकती है विवाह होने के बाद भी कभी कभी माता अपने बच्चे के विवाह में इतना हस्तक्षेप करती है वही कभी कभी सबसे ज़्यादा संघर्ष का समस्या का और प्रॉब्लम का कारण बन जाती है और क्यों कारण बन जाती है प्रेम के कारण प्रेम को काल को सम्मान न करते हुए उसको एक्टिव रखना चाहती है अरेंज मैरिज में कितने बार होता है मां खुद अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ कर लाती है सब ट्राई करती है इधर से उधर से सब जगह से हाउ कैन आई कंट्रोलर मेरे कंट्रोल में रहेगी नहीं मुझे गर्व मुझे गौरव करेगी नहीं सब कुछ करती है और एक करने के बाद वही अपने भाव की सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है और सबसे बड़ी शत्रु भी नहीं थ्रेटन बाय हर ओन डॉटर इन लॉ और डॉटर इन लॉ इज थ्रेटन बाय मदर इन लॉ कितना बड़ा मतलब मन में ये जो वहम आ जाता है ना वो आ गया तो बीच में सैंडविच होकर बच्चा फंस जाता है अगर वो समर्थवा नहीं हो उसको इन दोनों झेलने की शक्ति नहीं हो वो क्या करता हमेशा भारी रहता वो फिर वो ऐसा जॉब लेता मार्केटिंग जॉब लेते रहो <laughs> आओ ही नहीं घर पे, लेकिन कुंती ने ऐसा नहीं किया उसको एम्पावर करने की कला थी ना चलो तुम आगे बढ़ो इसको क्योंकि उन्होंने सुख को भी देखा था संघर्ष को भी देखा था संघर्ष को सुख में परिवर्तित कर दिया और जब सुख आता था उसमें इंटॉक्सिकेट नहीं होती थी उसको भी हैंडल करने की उसकी शक्ति की। ऐसा क्यों हो गया क्योंकि कुंती का जीवन वातावरण हाल ही में मैं एक ग्राम में कर्नाटक के पास एक ग्राम है बेलगम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा ग्राम है किसानों का गांव है वो वहाँ एक कई भक्तगण अपने मित्रों के साथ में एक ग्राम के बच्चों के लिए किसान के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला हुआ है क्योंकि किसान के बच्चे क्या करते हैं जब रेगुलर स्कूल में जाते हैं न पढ़ते हैं हो सकता है कि दस प्रतिशत लोग कुछ आगे जाकर मॉडर्न एजुकेशन में बन जाएंगे लेकिन प्रायश नहीं बनते तो ऐसे बच्चों के लिए उनको सही शिक्षण मिलना चाहिए साथ में उनका जो संपर्क है ग्राम के साथ टूटना नहीं चाहिए इस उद्देश्य इस शिक्षण केंद्र का शुरुआत किया था और लेक्चर के बीच में उनका कुछ कार्यक्रम था मैं कन्नड़ में लेक्चर दे रहा था बीच में उनका मल्लखंभ और उन्हें शिलम्ब करके एक स्टिक फाइट है केरला का तमिलनाडु का तो जब वो बच्चे लोग कर रहे थे उसमें से एक किसान जो उनका लड़का वहाँ पढ़ता है उन्होंने कहा देखो प्रभु जी इनका जीवन है ना ये हमारे बच्चों का एक खेल और एक जीवन में कोई अंतर नहीं है जिस वातावरण में वो बढ़ रहे हैं उस वातावरण उनको उनके शरीर को लवचिक बना देता है फ्लेक्सिबल बना देता है जिस प्रकार से वो खंबे पे जा रहे थे अलग अलग प्रकार का एक्सरसाइज कर रहे थे उन्होंने उसमें कोई अद्भुत चीज़ नहीं देखा बोले ये जीवन ग्राम का जीवन ऐसा ही था खेती में गाय के साथ यू नो एक्सट्रीम वेदर को डील करना बारिश कभी है बारिश कभी नहीं है ऐसे डील करने के कारण लवचिकता आ जाती थी लेकिन जब भी शहर में आ जाना मल्लखंभ वो प्रदर्शन बन जाता है वो जीवन से उसका कोई संबंध नहीं रहता इंटीग्रेशन न होने के कारण वो कर रहे मल्लखंभ को लेकिन इट इज नॉट द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ लाइफ वो आइसोलेशन में हो जाता है क्योंकि मट्टी की आवश्यकता पड़ती है वहां या तो फ्लोर पे होता है हमारे स्कूल में मलखम करते हैं बच्चे लोग गोपाल गार्डन में लेकिन कैसे आते हो बस से आते लिफ्ट से आते हैं केस नहीं लेते गाड़ी में घूमते हैं तो इसलिए मलखम करने के लिए ज्यादा कृत्रिमता से एक्स्ट्रा प्रयास करना होता है इट बिकम्स एन एंग्जाइटी पहले खेल किसके लिए हुआ करता था केवल खेलने के लिए हुआ करता था हमारे आदिकेश्वर प्रभु ने जो भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है राठौड़ जी उनको एक पत्र लिखा तो उनको बहुत अच्छा लगा वो पत्र उन्होंने अपने ट्वीट में उस पत्र को ट्वीट किया और उन्होंने उस खेल के बारे में लिखा इन खेल को खेलना चाहिए मल्ल कलारी पाइटू के बारे में चर्चा की तो माधव मुझे बता रहा था और प्रभु जी ने लिखा था उस लेटर में स्पोर्ट्स यानी कि खेल हमारे मानसिक तनाव को कम करने के लिए खेला जाता था आज खेल मानसिक तनाव को बढ़ाता है देर आर पीपल हु आर अ काउंसिलर टू अ स्पोर्ट्स पर्सन दैट इज द ऑफ प्लेइंग यानी कि अगर खेलने वाले को मानसिक तज्ञ की आवश्यकता पड़ती है वो खेल नहीं है तो वातावरण साधारण लोगों के लिए वातावरण बहुत ही आवश्यक है असाधारण लोग वो क्या कर सकते किसी भी वातावरण में खिल सकते हैं लेकिन साधारण लोगों को अपने वातावरण इसलिए तटस्थ शक्ति कहा जाता है ना जीव तटस्थ शक्ति होने के कारण अगर उसको अग्नि में रखो आँख के समान बन जाएगा अगर ठंडी में रखो वो ठंडा पड़ जाएगा तो कुंती का कैसे हुआ उसके जीवन में हाँ महान आत्मा थी लेकिन उसका वातावरण देखो विवाह होते ही एक तो दुर्वास मुनि की सेवा की है चार महीने के लिए दैट इज एज गुड एज स्टेइंग फोर्टी ईयर्स इन द डेंस फॉरेस्ट ऐसे चार महीने की सेवा चालीस साल किसी घने जंगल में जाने के रहने के समान ही है लेकिन उसको असली में जंगल में भी रहना पड़ा राज्य परिवार की थी पति के साथ कुछ हो गया जंगल जाना पड़ा बहुत बड़ा परिवार था लेकिन फिर भी राज्य ग्रह नहीं था तो कुंती ने क्या किया कंप्लेन नहीं किया कंप्लेन करना गलत नहीं है मैं नहीं कह रहा कि कंप्लेंट न करने वाले अच्छे होते कभी कभी लोग मुझे कंप्लेन नहीं करना है ताकि मैं महान बताना चाहता हूं नहीं इफ यू आर नॉट ग्रेट यू आर नॉट ग्रेट यू कांड एक्ट यू आर ग्रेट आई विल नॉट कंप्लेन आप बाहर मुख से कंप्लेन नहीं करते हो लेकिन अंदर से क्या होता हो रहा है जैसे प्रभाप्पा जी ने कहा था ना जो एक ही बार मल त्याग करता है वो योगी तो कई लोग आर्टिफिशियल योगी बनने लगे तो उनका पेट हाइड्रोजन बॉम्ब बन गया ना? तो बिकॉज यू कांड आर्टिफिशियली एक्ट स्वाभाविक होना चाहिए तो कुंती में स्वाभाविक गुण होने के कारण वो जंगल में रहते हुए इतना सुख का अनुभव करने लगी परंतु जब अर्जुन का चौदाह साल आ गया था उस समय ये घटना हो गई और इस घटना में पांडु की मृत्यु हो गई माधुरी चली गई जिनके साथ उनका अच्छा संबंध था और कुंती पांच बच्चों के साथ अनाथ हो गई एक दृष्टि से वहां के ऋषियों ने पांडु और मादरी का अंत्य संस्कार किया अंतक्रिया की और सारा जो अस्थि है उन्होंने कहा इसको राज्य योचित कर्म भी मिलना चाहिए बोले अभी जाते हस्तिनापुर के लिए कुंती तैयार नहीं थी हस्तिनापुर आने के लिए तब ऋषियों ने कहा कुंती तुम जंगल के नहीं बनी हो यहाँ आप सेटिस्फाइड हो आप समाधानी हो लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट साधारण नहीं था जो अनाथ बच्चों को यानी कि जिनके साथ में कोई भी नहीं थे ऐसे बच्चों को हस्तिनापुर में ले जाना है और उस हस्तिनापुर में कौन लोग हैं अधिकार जमा कर बैठे हुए धृतराष्ट्र बैठा हुआ है केयर टेकिंग राजा बनकर बैठे हुए एक प्रकार से उनमें सुख की भावना है कि मेरा भाई मर गया दुख थे दुखी थे ही वॉज अनहैप्पी बट द सेम टन और उसका पुत्र दुर्योधन बड़ा हो गया था वो सब राजा बनने के लिए बैठे हुए उधर जाकर अपने हक के लिए अपने अधिकार के लिए मांगना इससे अच्छा लोग क्या कहेंगे अरे जाने दो ना छोड़ दो उनको राज्य करने दो तुम जंगल में सुखी रहो आप कहाँ जा सकती हो आप अपने पिता के घर शूरसेन के राज्य के घर में निश्चित रूप से जा सकती हो क्योंकि वहां आग आग का आपका देखभाल होगा ही हंड्रेड परसेंट होगा लेकिन कुंती न्याय के लिए लड़ने वाली स्त्री थी उसने ये नहीं सोचा जाने दो ना प्रायश हम लोग अपने आप को उधार समझते हैं, महान समझते हैं। और कहते हैं कि जाने दो लेट इट बी ये किसके लिए होता है ये हमारे उदार हृदय के लिए नहीं परंतु डरपोकता के कारण परंतु हम उसको फिलॉसफी का रंग देते हैं कि एक्चुअली आई डोंट केयर फॉर इट नो यू फियर टू डील विथ इट आप डरते हो उसको डील करने के लिए और इसका परिणाम क्या होता है इसका परिणाम यही होता है जैसे उस ब्राह्मण ने अपने पत्नी को कहा हमने हमारे ही निर्णय के कारण कष्ट झेल रहे हैं और समर्थ राजा के राज्य में आ गए यहाँ की प्रशासन गलत है तो यहाँ अगर रहेंगे तो यही तो होगा जो इस गांव में था मैं वहाँ एक एक किसान ने अपनी कहानी सुनाई बोला प्रभु जी ये जो सौ एकड़ मेरे पास है ना ये सब कुछ मेरी जो दादी नहीं दादी की माँ को क्या कहते हैं दादी के माँ को नहीं दादी की सास को नो ग्रेट ग्रैंड मदर तो उनके पिता का यानी कि उस व्यक्ति उनकी जो दादाजी थे उनकी मां इस व्यक्ति जो मुझे बता रहे थे उनकी उनके दादाजी की माँ वो विधवा बन गई और जब ये दादाजी केवल तीन महीने के थे तो होता है ना गांव में शहरों में भी होता है कि उनके प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए इसलिए शास्त्र में लिखा है कभी कभी जो आपके जो ज्ञाति होते हैं ना ज्ञाति बोलते हैं उनको ज्ञाति आपके पॉइजन बन जाते हैं आपके पॉइजन बन जाते हैं विष बन जाते हैं तो उन्होंने क्या सोचा अगर ये बालक को मार देंगे सारा प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा तो इसलिए बालक को उन्होंने क्या किया स्लो पॉइजन दिया और इस उनके दादी को यानी कि दादा के माँ को उसके दोनों हाथ एक्सीडेंट में कटवाए लेकिन उसने क्या किया उस स्त्री ने उसको समझ में आ गया कि मेरे बच्चे के साथ तो कुछ तो कर रहा है नाक के द्वारा स्लो पॉइजन दिया था उसको साफ कराया बच्चा बच गया बच्चा बचने के बाद उन्होंने अपने भाई के बाद उसको भेज दिया बोला इसको बड़ा करो और मैं यहाँ ही रहूंगी अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी मेरे पुत्र को कुछ नहीं मिलेगा वो मामा ने भी क्या किया उसको उसको अच्छे संस्कार दिए उसको पढ़ाया उसको लॉ सिखाया और उसके साथ में बंदूक भी सिखाया चलाने के लिए गांव में कभी कभी ध्रभाग्य उस समय क्या होता था लॉ आपके हाथ में ही लेना पड़ता था गलत है लेकिन लेना पड़ता था वो बता रहे थे अगर मेरी दादा की माँ ने ऐसा नहीं किया होता तो मैं किसी गांव में किसी सीमेंट फैक्ट्री में चार हज़ार रुपये के लिए काम किया होता दैट वुड बी माई एबिलिटी एंड माई क्वालिफिकेशन मेरा भाई भी वही किया होता लेकिन उन्होंने सामर्थ्य दिखाया जब वो उन्नीस साल के बाद में आया तो क्योंकि न्याय से भीख मांगने से न्याय मिलता नहीं है भीख मांगने से भिक्षा मिलती है दो रोटी मिल जाती क्योंकि भिक्षा का उत्तरदायित्व क्या है टू गेट फ्रॉम अ बिग पर्सनैलिटी ऑलवेज वेच मच लेस देन वॉट यू एक्सपेक्ट अगर उसके पास दस करोड़ रुपए है आपको दस रुपए मिलेगा कि उसका कुछ खोता नहीं है। लेकिन जिसके पास दस करोड़ रुपए है और उसमें से पाँच करोड़ रुपए आपका है उससे भिक्षा मांगने से आपको देगा नहीं भगा देगा वो। तो कुंती एक कला अपने बच्चों को सिखाने के लिए किसने कहा कुंती तो वहाँ संतुष्ट थी ऋषियों ने कहा नहीं कुंती आप इसके लिए नहीं बने हो आपको तो राज्य में जाना होगा तो वो आया अपने प्रॉपर्टी को लिया और वही इसलिए वो स्टोरी बता रहे थे मुझे कि मेरे दादाजी ने ऐसा किया और परंतु सारा श्रेय किसको जाता है दादाजी के माँ को जाता है उसने उसको खड़ा कर दिया इसलिए कुंती ऐसे कईय को ऐसे विरला ऐसे स्टोरीज लेकर खड़ा करते लोगों इसलिए महाभारत क्या सिखाता है जब भगवान के प्रति भक्ति की भावनाओं को प्रदर्शन करना है तो कभी भी भगवान को हम बोझा नहीं बनना चाहिए जो भगवान के लिए बोझा नहीं बनता है वही ऐसे सुंदर प्रार्थनाओं को अर्पण कर सकता है और कल बाकी का जो भी है कुंद के बारे में अगर हो गया तो हम पूरा करेंगे नहीं तो देखते कल क्या होता है हरे कृष्णा जय श्रील प्रभुपाद की